आइए नमस्कार, सब लोग आ जाइए फटाफट। और आज हम लोग स्पोकन का क्लास शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है? चलिए, स्पोकन में जो क्लासेस होते हैं, जो आप जनरली क्लास करते हैं, आपको मैं एक चीज बता दूं कि आप लोग जो क्लासेस करते हैं वो क्लासेस जनरली लोग बच्चे ट्रांसलेशन से करते हैं, क्योंकि उनको ये महसूस होता है कि ट्रांसलेशन से सिखाया जाता है और स्पोकन उसके बाद आ जाएगा। बेटा, आज मैं आपके जो तीन चार मिथ है वो खत्म करने जा रही हूँ। वो सबसे पहले, उनसे आप बिल्कुल निजात पाओ, तभी आप इंग्लिश बोल पाओगे। पहली बात, ट्रांसलेशन से इंग्लिश नहीं आती है। ट्रांसलेशन में बस थोड़ा सा इतने ही स्ट्रक्चर का करवाती हूँ कि बच्चा ये समझ सके, अच्छा हम सोचते क्या थे और हम बोलते क्या थे, बस। यानी ट्रांसलेशन से इंग्लिश नहीं आती है। ट्रांसलेशन बस थोड़े से भाग का, वो भी बाद में थोड़ा कर सकते हैं हम, जब स्टूडेंट्स को ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अच्छा ट्रांसलेशन, कभी कभी हम इंग्लिश जब बोलते हैं तो हमें महसूस होता है कि इंग्लिश ये है, जबकि वो इंग्लिश में उसका नहीं रहता है मीनिंग। यानी एक समझ खाली थोड़ा सा विकसित करने के लिए, अरे मैं बोलना क्या चाहता था और मैं ये बोल रहा था, उसके लिए थोड़ा सा ट्रांसलेशन की जरूरत है, बस। सेकेंडली, ट्रांसलेशन से बोलने पर बच्चा ये सोचता है कि अच्छा मैं जा रहा था, रही थी में खत्म होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा, यानी वॉज वर्ब प्लस V1 ING लगेगा। ये सब भूल जाओ, क्योंकि खुद सोचो, अगर मैं कहना चाह रही हूं आई वॉज गोइंग, तो आई वॉज गोइंग मैं जब सोचूंगी, अच्छा आई वॉज गोइंग मतलब, पहले तो हिंदी में सोचूंगी, मैं जा रहा था, जा रहा था तो रहा था मतलब वॉज वर्ब प्लस V1 ING। अच्छा मैं हूं आई, आई के साथ क्या लगता है तो वॉस लगता है। यू डोंट हैव सो मच टाइम। यानी ट्रांसलेशन से इंग्लिश नहीं आएगी। सबसे पहले आज के बाद मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक ही चीज कहती हूं कि बेटा ध्यान रखना, पढ़ना एक पूजा है, पढ़ना एक पूजा है जो बहुत ही ज्यादा तल्लीन हो के आपको करना पड़ता है। आपको पता है शुरुआत के जितने लॉकडाउन चले, कोई काम नहीं था मेरा तो मैं पूजा काफी करती थी। अब जैसे मेरा काम शुरू हुआ पूजा कम हो गया। लोग कहते हैं यार इसका मतलब है फिर से तुम नास्तिक बन गई। मैं नास्तिक नहीं हूं, भगवान पे मेरी आस्था है, लेकिन मैं जब 16 घंटे पूजा कर रही हूं तो ठीक है, जो 1 घंटा पूजा करती थी उसको थोड़ा सा कम कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपको 3 महीने तक जो मेरे साथ स्पोकन में रहोगे, यू विल हैव टू गो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, जो मैं आपको बताऊंगी। यानी जो मेरा ओपिनियन होगा उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे, बिकॉज ऑफ वन रीजन दैट व्हेन यू स्पीक इंग्लिश इट मस्ट बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसका मतलब इट मस्ट बी इन प्रॉपर एक्सेंट, प्रोनंसिएशन, योर बॉडी लैंग्वेज, योर पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ मैच करना चाहिए। जब आप कुछ बोलते हो ना हिंदी में, आपका एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि आप जब बोलते हो आप पूरी भावना के साथ बोलते हो। जब इंग्लिश बोलते हो तब आपका दिमाग थोड़ा उड़ा सा रहता है, बिकॉज आपको लगता है यार मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। डोंट ट्राई टू जज योर सेल्फ। सबसे पहले 3 महीने में, फर्स्ट 3 महीने में आप अपने आप को बिल्कुल जज नहीं करोगे। उसका रीजन ये है कि अभी आप बिगिनर हो, ठीक है? और इस 3 मंथ्स में मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए आपको एक इंग्लिश का थोड़ा सा स्ट्रक्चर तो मालूम होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज है क्या ये मालूम होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स क्या है जो हिंदी में नहीं है। हम क्यों हिंदी में बहुत अच्छे होने के बावजूद इंग्लिश में नहीं सीख पाते हैं। और सबसे खराब बात तो ये है बेटा, बहुत सारे आप में से 50% ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हैं जिनके पास दुनिया भर का नॉलेज है, दुनिया भर का, क्योंकि वो IAS की तैयारी कर रहे हैं, वो SSC की तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पे उनके पास जनरल नॉलेज बहुत हो गया, लेकिन एक 10th स्टैंडर्ड का बच्चा के आगे आपका मुंह बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ वन थिंग, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज। ये तो बिल्कुल मतलब जो कहते हैं ना सारा एजुकेशन गोल हो जाना, वो चीज नहीं होना चाहिए।
इसीलिए जब मैं आपको सिखाऊंगी तो मैं आपको दो तरीके से सिखाती हूँ। एक तो होता है स्पोकन का क्लास चलता है, एक कंपल्सरी इंग्लिश का क्लास चलता है। कंपल्सरी इंग्लिश में जो पढ़े लिखे जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पॉलिटिक्स डिस्कस करना है, इकोनॉमी डिस्कस करना है, जिनको बाहरी दुनिया से रिलेटेड बातें करनी है, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करना है, वो सारे बच्चे होते हैं उसमें, वो कंपल्सरी इंग्लिश होता है। स्पोकन में जनरल इंग्लिश, जो आप अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात करना चाहते हो, जो आसपास का आपका सराउंडिंग्स है, जिसके आपके घर में बात, आपके फ्रेंड्स से बात, किसी कंपनी में जा रहे हो तो बात, अपना इंट्रोडक्शन की बात, लेकिन इंग्लिश में सोचना शुरू कर दो बेटा से। यानी फर्स्ट थिंग इंग्लिश में सोचना शुरू करना है। लेकिन कैसे सोचना शुरू करना है ध्यान से सुनना। जब भी आप सुबह उठो, उठते साथ ही फर्स्ट लाइन जो बोलना है आपको, फर्स्ट सेंटेंस जो बोलना चाहते हो किसी को भी, दिमाग में सोचो मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा। हमेशा हमेशा आपके ध्यान में इंग्लिश चलना चाहिए। ये सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है जो मुझे आज से चाहिए आप में। और उसके बाद मैं आपको स्पोकन का क्लास कराऊंगी, क्योंकि ये फर्स्ट थिंग है जो रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आइए, इंग्लिश है क्या। इंग्लिश में आपको पता है देर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इट इज नॉट कॉल्ड अल्फाबेट्स, इट इज कॉल्ड अल्फाबेट। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट क्लास है। कुछ स्टूडेंट्स कल पूछ रहे थे कि मैम आपका क्लास जो यूट्यूब में है वो डेमो है, तो आपका जो ऐप में होगा वो फर्स्ट क्लास से होगा। बेटा मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो यूट्यूब में कल हुआ है, वो हमारा SSC PO CDS NDA एयर फोर्स, इन सब से रिलेटेड बैच है। वो बैच चलेगा मंडे वेंसडे फ्राइडे, और इसका जो थ्री क्लासेस है, फर्स्ट थ्री क्लासेस, वो यूट्यूब में हो रहा है। और ये कोई डेमो नहीं है, ये क्लास शुरू हो चुका है। उसके बाद फोर्थ क्लास से ये सीधा हमारे ऐप में चलेगा। ये बैच जो है अराउंड 5 मंथ्स, 4 to 5 मंथ्स चलेगा, और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 1 साल की होगी। ठीक है, आज जो मैं शुरू कर रही हूँ वो आपका चलेगा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। हालांकि पिछला जो मेरा बैच शुरू हुआ था वो कंप्लीट शुरू हुआ था, कंपल्सरी इंग्लिश एंड स्पोकन इंग्लिश एक साथ, लेकिन इस बार मैं वो काम नहीं करा पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय की कमी थी। तो मैं आपको खाली स्पोकन इंग्लिश का बैच लेके आई हूँ, कंपल्सरी इंग्लिश अलग चीज़ है। ये चलेगा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, और ये चलेगा 3:30 से 5। फर्स्ट थ्री क्लासेस हम इसमें करेंगे, इसका भी वैलिडिटी अराउंड 1 ईयर तक हो जाएगा। हालांकि ये 3-3.5 महीने का चीज़ है, तभी तो मैंने कहा मैं आपको ज़्यादा तपस्या करने की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 3 महीने की तपस्या की बात कर रही हूँ बस। और इसका इसका बेटा 2499 है ये। इसमें मैं आपको बताती हूँ अभी क्या क्या हम देंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे, वो बाद की बात है, रुक जाओ थोड़ा सा, अभी मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने दो, उसके बाद बीच में बताएंगे। ठीक है ना, अब मेरी बात सुनो। आप लोग कहते हो कि मैम इस बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, इसमें जो इंग्लिश है, इंग्लिश में मैं आपको कम्प्लीटली जो सिखाने वाली हूँ वो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में ही आ जाएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है बेटा, ये 3 दिन तो फ्री रहेगा ना, और दूसरी बात है कि यूट्यूब में ऑलरेडी मैं 10 बजे कभी स्पोकन लेके आ रही हूँ, कभी ग्रामर लेके आ रही हूँ, कभी वोकैब लेके आ रही हूँ 10 बजे। तो इसीलिए अगर आप कहोगे प्रॉब्लम आपको है इसमें बाइंग में, तो देखो बात क्या है ना, मेरे पास सब तरह की चीज़ें हैं, आपको जो भी लेना है वो देख लो, क्योंकि YouTube में 10 बजे भी मैं ऐसे आती हूँ, जो चाहो आप तो पढ़ सकते हो। हालांकि ये पेड बैच है, लेकिन अभी 3 क्लासेस पहले आप समझ लो, अगर 3 क्लासेस भी लोगे तो कम से कम एटलीस्ट आपको जानकारी हो जाएगी कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, आ जाओ सुनो, इंग्लिश जो पढ़ना चाह रहे हो, इंग्लिश है क्या। इंग्लिश में जैसे हिंदी में अ से लेकर ज्ञ तक है, इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं। अब देखो 26 लेटर्स हैं, लेकिन इसमें 26 लेटर्स इंग्लिश में होते हैं जिसमें 5 वर्बल्स हैं,
AEIOU वोवल्स हैं, लेकिन ये वोवल साउंड बेस्ड होना चाहिए। ये वोवल जो है उसका प्रोनंसिएशन पे वोवल साउंड जाता है, वह बाद की बात है। बाकी सारे कॉन्सोनेंट है, यानी 26 में से 5 निकाल दिए तो 21 लेटर्स जो है, लेटर्स की बात कर रही हूँ, अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला, इसीलिए ध्यान रखना। ये पूरा कंप्लीट अल्फाबेट की बात करूंगी तो ये वर्णमाला है, ठीक है ना, हिंदी में इसको वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसको अल्फाबेट कहते हैं, क्लियर। और इसमें 26 लेटर्स होता है जिसके 44 साउंड्स होते हैं। अब 44 साउंड्स, 26 लेटर के 44 साउंड्स, बेटा पहले आज इसमें देख लो अगर उसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो, ठीक है। 44 साउंड्स क्यों, कैसे हो गया 44 साउंड्स, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटर्स, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप स्पोकन सीखने जा रहे हो, तो हर लेटर का साउंड इंपॉर्टेंट है। इसमें 44 साउंड कैसे हो सकता है भाई, 26 लेटर के 44 साउंड्स कैसे हो सकते हैं। और आपने बताया है ये 5 वर्बल्स है, 5 वर्बल्स के 20 साउंड कैसे हो सकते हैं, है ना, 5 वर्बल्स के 20 साउंड कैसे हो सकते हैं। ये सारा जो कंफ्यूजन है आपका, वो मैं आपको रिमूव करा दूंगी। एंड सेकेंडली, वन थिंग यू शुड नो, मैं फर्स्ट मंथ आपके साथ हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करूंगी, सेकेंड मंथ कंप्लीटली मेरा क्लास इंग्लिश में मैं बोलूंगी और आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि फर्स्ट मंथ में मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर जब सिखा दूंगी तो सेकेंड मंथ में हम ज़्यादा ग्रामर में उतर जाएंगे, वो एसेंशियल पोर्शन ऑफ ग्रामर जो कि ज़रूरी है, और खाली स्पोकन में रहेंगे, ये आप लोग ध्यान रखना। अब आइए नेक्स्ट पेज में जरा देखो, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स क्या होता है इंग्लिश का, ये पहले देखो। जानते हो कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स हमें रिटन में बहुत हेल्प करेगा। अब रिटन की अगर बात करें तो भाई आपसे मैम स्पोकन सीखने आए हैं, अब रिटन की बात क्यों कर रहे हो, है ना, क्या कहोगे, मैम आपसे तो स्पोकन सीखने आए हैं, आप रिटन की बात क्यों कर रहे हो, आ जाओ, क्यों रिटन की बात कर रहे, जरा देखो, आप पहले इसको देखो उसके बाद बात करेंगे। राहुल, मैं 10 बजे रात में फ्री कोर्स के लिए आती हूं बेटा, अभी तो फिलहाल इसमें ही 6 दिन आएंगे, इसीलिए रात में नहीं आ रही हूं मैं, क्योंकि अभी यूट्यूब में भी तो फ्री ही पढ़ा रही हूं। क्या बताया, देखो ध्यान से, हाँ, नाउ सी, 4 पिलर्स रीडिंग वेरी एसेंशियल, वाई, आपको पता है कई बार ऐसा होता है, कभी भी हम भी अगर किसी स्पेलिंग को लिखते हैं ना, तो लगता है यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गलत लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, है ना। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी, जानते हो क्या है, बहुत सारे डिटेक्टिंग एरर, तो उनको रूल्स पता ही नहीं होता है, उनको लगता है यार कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा है, ये स्पेलिंग ठीक नहीं लग रहा है, ये लिखा हुआ सेंटेंस सही नहीं लग रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ वन रीजन, क्योंकि वो जो रीडिंग करते हैं ना बेटा, रीडिंग में वो चीज़ उसकी नज़र से गुजरती रहती है, और जब नजर से कोई चीज गुजरती है ना, तो आपको महसूस हो जाता है यार ये ठीक नहीं लग रहा है। जानते हो मैं कई बार क्लास में कहती हूं अपने स्टूडेंट्स वगैरह से कि आप लोगों को ठीक लग रहा है ठीक नहीं लग रहा है, यही तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले मात दे देते हैं, और सही बात है, इंग्लिश मीडियम वालों को रूल्स नहीं आता ग्रामर का, लेकिन वो मात दे जाते हैं क्योंकि उनको लगता है ठीक है और ठीक नहीं है। अब आइए रीडिंग में हम क्या करेंगे, तो रीडिंग में मैं आपको काफी सारे स्टोरीज दूंगी, ठीक है, आज भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम स्टोरी करेंगे। सो आज से हम जो शुरू कर रहे हैं, तो याद रखना जैसे मैं बोलूं, बस खाली एक चीज है, कहते हैं ना अंधभक्त, मैं अंधभक्त नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी बस 3 महीना जैसे मैं बोलूं वैसे कर लो, और उसके बाद नहीं आया तो अब मुझसे बात करना कि मैडम आपने मुझे मूर्ख बनाया। मैंने क्या कहा, सिर्फ 3 महीने, क्योंकि आप कई बार होते हैं कुछ लोगों के भक्त बन जाते हो और सालों तक भक्त बने रहते हो, मैं कहती हूं सिर्फ 3 महीने। 4 पिलर्स का मतलब क्या बोला मैंने आपको, कि एक तो रीडिंग, क्यों, क्योंकि रीडिंग से
एक चीज होगा, आपको महसूस हो जाएगा यार ये ठीक लग रहा है या ठीक नहीं लग रहा है, और मैं आपको दिखाऊंगी क्यों एसेंशियल है थोड़ी देर के बाद। दूसरा राइटिंग, तभी तो मैंने कहा बेटा आपको कैपिटल एंड स्मॉल लेटर का थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो सुनो ध्यान से, जब आप लिखते हो ना, अगर मैं कहूं राम तो राम ऐसे लिखोगे, सेंटेंस के शुरू में आए या बीच में आए। क्यों? क्योंकि आपको ये बेसिक कंसेप्ट सिखाऊंगी मैं कि भाई देखो किसी व्यक्ति का एकदम एग्जैक्ट नाम लिखना है, किसी प्लेस का एकदम एग्जैक्ट नाम लिखना है तो कैपिटल लेटर आएगा। अब आओ मैं आपको छोटा सा एक चीज पूछती हूं, मैं अपना नाम तीन तरीके से लिखती हूं, ठीक है, और आप मुझे बताना कि कौन सा तरीका सही है। देखो तो, और मुझे जल्दी से बताओ। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मुझे बता दो कि जो मैंने अपना नाम लिखा है कौन सा सही है तरीका। एग्जैक्टली सही तरीका मेरे नाम का लिखने का कौन सा है बता दो तो फटाफट। बेटा पीडीएफ सारा मिल जाएगा आपको, पीडीएफ के लिए जाओ केडी लाइव ऐप में, डाउनलोड करो वो कहाँ से, प्ले स्टोर से। उसके बाद उसमें एक ईयरफोन का आइकन मिलेगा, और ईयरफोन के आइकन को जब क्लिक करोगे तो सबसे नीचे मीडिया सेंटर मिलेगा, वहीं पर आपको फ्री में मिल जाएगा। 1 2 3 1 2 3। चलो मैं बताऊं, जितने लोगों ने 3 बोला है वो सही है। क्यों? द रीजन इज जब आप कैपिटल लेटर लिखते हो ना तो सब अलग अलग होता है। सी दिस, कैपिटल लेटर लिखोगे तो सब अलग अलग होगा, ठीक है, और जो स्मॉल लेटर है ना बेटा, आप एक चीज देखो, सबका एक पूंछ दिख रहा होगा आपको, है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, देख रहे हो मेरा पेन नहीं उठा। क्यों नहीं उठा? क्योंकि एक का पूंछ दूसरे के सर से फिक्स्ड हो रहा है। आई उठेगा पेन खाली डॉट लगाने के लिए, पेन उठेगा डॉट लगाने के लिए, पेन उठेगा क्रॉस करने के लिए, अदरवाइज मेरा पेन नहीं उठेगा, चाहे यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखो उठ रहा मेरा पेन, बताओ? नहीं। इसीलिए कैपिटल लेटर किसी के साथ कनेक्टेड नहीं हो पाएगा, देख लो बेटा। एंड दिस इज कॉल्ड कर्सिव हैंडराइटिंग, ठीक है। कर्सिव हैंडराइटिंग क्यों करना है? क्योंकि जानते हो कर्सिव हैंडराइटिंग बताता है कि आप कैसे मीडियम से पढ़े हो। आप कहोगे मैम क्या प्रॉब्लम है, हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं। डजेंट मैटर बेटा, हिंदी मीडियम से पढ़े हो इसका मतलब है कि आपके माता पिता अफोर्ड नहीं कर पाए इंग्लिश मीडियम भेजने में, है ना, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी बात सुनो, एक चीज गांठ बांध लो, दो तीन चीजें मैं जब कहती हूं ना गांठ बांध लो, मोटिवेटेड रहो हमेशा। क्या गांठ बांधने कह रही हूं मैं ये कह रही हूं, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना तो गुनाह है, है ना। इसका मतलब अगर आप नहीं सीख पाए शुरू में कोई बात नहीं, क्योंकि आपका एजुकेशन बहुत अच्छे स्कूल में नहीं हुआ, डजेंट मैटर, आप इतना अच्छा एग्जाम दे रहे हो और इतने लेवल तक पहुंच गए हो, अच्छे सोसाइटी को बिलोंग कर रहे हो, इसका मतलब है बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन गरीब बनना जरूरी है क्या? सीख लो, अभी सीख लो, ठीक है ना। इसीलिए ध्यान से सुनना, मैंने ये कहा आपको कर्सिव हैंडराइटिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि बेटा ये हैंडराइटिंग पता है आपको बचपन में सिखाया जाता है अच्छे स्कूल्स में, दैट इज वेरी एसेंशियल, ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैंने कहा कि जो मैंने अपना नाम लिखा है, देखो जरा सा ये कैपिटल से मैंने जोड़ने की कोशिश की है। मैंने क्या कहा, कैपिटल लेटर्स एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं, क्या जुड़े होते हैं, ये स्मॉल लेटर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये कर्सिव हैंडराइटिंग में स्मॉल लेटर्स होते हैं, और कैपिटल लेटर्स के जो यूज है वो मैं आपको बताऊंगी। आज तो सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन बता रही हूं, वो थोड़ा सा समझो ध्यान से, ठीक है। आप सुनो, पहला मैंने कहा रीडिंग, दूसरा कहा राइटिंग, तीसरा लिसनिंग। लिसनिंग क्यों बेटा? इंग्लिश बहुत अनफोनेटिक लैंग्वेज है। कहोगे मैम अनफोनेटिक नहीं, अनफोनेटिक होगा ना, क्योंकि हम तो स्पेलिंग जानते हैं अन, यू एन अन, चलो इसका भी यू बोलते हो तो भी अन बोल दिया, और फोनेटिक कहेंगे ना, फोनेटिक, क्योंकि ओ है भाई, ओ है तो भी फोन नहीं होगा यहां पे। इसका प्रॉब्लम क्या है?
इसीलिए प्रॉब्लम है क्योंकि इंग्लिश में आपको 26 लेटर्स बताया जिसके 44 साउंड्स बताए। इसका मतलब ओ का प्रोनंसिएशन ऑरेंज में ओ होता है, अनियन में अ होता है। आया समझ में? इसका मतलब है टूम में ऊ होता है। ध्यान से देखो ना, मैं आपको तीन बताती हूं, तीन वर्ड्स देती हूं, ऑरेंज, अनियन एंड टूम। टूम का मतलब कब्र होता है। तीनों में जरा ओ का प्रोनंसिएशन देखो, ऑरेंज ऑरेंज, अनियन एंड टूम, देख रहे हो? देख लो, ऑरेंज ओ है, अनियन, तभी तो मैंने कहा एक लेटर का एक से अधिक साउंड होगा, तभी तो 26 लेटर्स का 44 साउंड गया बेटा, देखो तो ध्यान से, ठीक है? इसका मतलब बेटा लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बोलोगे मैम इसके लिए क्या करोगे, पहले तो आप इसके लिए, आप जैसे टाइम्स नाउ हो गया, NDTV हो गया, आप ये सब इंग्लिश का सुनो, लेकिन इसके लिए पिछले बैच तक का हमने कोई कमिटमेंट नहीं किया था। हालांकि दिमाग में बहुत सारे आइडियाज थे, हमने कोई कमिटमेंट नहीं किया था बच्चों से। क्यों? क्योंकि हम जितना देना चाहते हैं ना बेटा, और जितना दे सकते हैं और जितना देंगे आपको, हम उससे कम बताते हैं। बहुत लोग होते हैं जो नापते हैं 9 गज और फाड़ते हैं 2 गज, लेकिन हम ऐसा नहीं है। हम आपको वो चीज़ नहीं बताएं जो चीज़ हमारे पाइपलाइन में था फर्स्ट बैच का। अभी सिर्फ दूसरा महीना चढ़ा है, 15 मार्च को शुरू हुआ था, है ना, अभी 1.5 महीना हुआ है। और मैंने बच्चों से सिर्फ यही पूछा कि अगर आप इम्प्रूव नहीं किए हो तो मुझे बता दो, मेरा फॉल्ट है, मैंने कुछ नहीं सिखाया फिर आपको। एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो कहा था कि मैम हम इंग्लिश नहीं बोल पा रहे। और आपको बताएं डेडिकेशन कितना है बच्चों में, कितना बच्चों में डेडिकेशन है। मेरी एक स्टूडेंट है रवनीत करके हैं, वो कहती है मैडम मैं अपने कुत्ते से भी इंग्लिश में बात करती हूँ, मेरे घर वाले तो इंग्लिश बिल्कुल बोल ही नहीं सकते, मैं अपने कुत्ते से इंग्लिश में बात करती हूँ। मैंने कहा तुम किसी से भी बात करो, आईना से बात करो, अपने आप से बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो, कुत्ते से बात करो, लेकिन इंग्लिश में बात करोगे। एंड रियली उस दिन मैंने जब जूम से कनेक्ट किया उन लोगों को, तो मैंने एक चीज पाया है कि सब लोग बोल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं लिसनिंग में जो हम देने वाले हैं, आपको बता दें, आपको लिसनिंग के लिए हमारे पास बहुत फर्स्ट क्लास टीचर्स मैंने अपॉइंट किया हुआ है, और मैं खुद रहूंगी, और हम लोग एक समय पर 25 स्टूडेंट से कनेक्टेड होंगे। और वो जो टीचर होंगी रोज कम से कम 6 बैच में 25 25 स्टूडेंट से कनेक्ट होके अराउंड 45 मिनट्स तक उनके साथ कन्वर्सेशन करेगी, और फिर कौन सा स्टूडेंट में क्या प्रॉब्लम है वो पूरा कंप्लीट शाम को हमको लिस्ट देगी। और मुझे देखना है कि हाँ कौन सा स्टूडेंट में एक्सेंट में प्रॉब्लम है, किसका प्रोनंसिएशन में प्रॉब्लम है, कौन अभी भी परेशानी में है, कौन ज़्यादा नर्वस हो रहा है, और वो सारा मॉनिटर मैं खुद करूँगी। मतलब स्टूडेंट्स बहुत अधिक है, स्टूडेंट्स बहुत अधिक है। इनफैक्ट अभी हमें लगता है हमने करीबन 30 गर्ल्स को शॉर्टलिस्ट किया है। और मैं इसलिए गर्ल्स कह रही हूँ क्योंकि हम गर्ल्स और वीमेन को ज़्यादा लेना भी प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे थ्रू ऐप, तो इसमें कम से कम क्लैरिटी ऑफ वॉइस जाए और पिच हाई रहे। और मैं आपको फर्स्ट क्लास लोग ऐसे दूंगी जिनका कोई मदर टंग इन्फ्लुएंस नहीं होगा, जो जिसका प्रोनंसिएशन एक्सेंट्स में, मैं 4 लाइन बात करती मैं समझ जाती हूँ कि इंग्लिश में ये बोल रहा है कि बोलने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी बात है, सारे जो मैंने अपडेट किया था फेसबुक में कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें बहुत सारे कटाक्ष आए, लेकिन मैं कटाक्ष नहीं देखती हूँ। मेरा ये कहना है कि भाई मैं अपने स्टूडेंट्स को किसी नौसिखिए के हाथ में नहीं दे सकती हूँ, और ये सारा कुछ मैं मॉनिटर करूँगी, यानी कि यहाँ से थ्रू ऐप एंड सामने आप सब स्क्रीन में होंगे मौजूद, सामने 25 लोग स्क्रीन पे मौजूद होंगे, इधर टीचर बैठे होंगे या हम बैठे होंगे और हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे। इसका मतलब लिसनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट 1.5 मंथ्स और 2 मंथ्स आप लोग न्यूज चैनल्स और वो सब सुनते रहो, और उसके बाद हम लोग कम्युनिकेशन शुरू करेंगे। उस समय तक आपके पास सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, और इसलिए जब सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, फिर नहीं पूछोगे मैम ये स्ट्रक्चर कैसे बना, ये नहीं पूछोगे। एंड लास्ट स्पीकिंग, क्यों स्पीकिंग जरूरी है बेटा, जब आप मुंह खोलते हो ना तो मैं पता चल जाता है मुझे कि किस जगह का है,
कौन से मीडियम से है, सुन लो ध्यान से, किस जगह का है, आपका क्षेत्र, आपका रीजन पता चल जाता है, कौन से मीडियम से पता चल जाता है, और इंग्लिश कितना जानता है ये भी पता चल जाता है। इसीलिए ये चारों चीजें बहुत जरूरी है, और ये चारों चीजें जब आप में आ जाएगी तो उसके बाद मैं थर्ड मंथ के लास्ट में आपको खाली करते जाऊंगी कि भैया इसका हो गया, इसको जरूरत नहीं अब कनेक्ट करने का, ये अपने जैसे कहते हैं ना कि ठीक ठाक हो गया तो उसको घर भेज दिया गया, अब वो घर में अपना किसी से भी जो करना है बात उत करते रहे। तो जो आप बन जाओगे ठीक हो जाएगा, आपको घर भेजते जाएंगे, जो लोग ठीक नहीं होंगे उनके साथ कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंकली, मेरे अकॉर्डिंग चलो मैं आपको बिल्कुल कह देती हूँ, गारंटी देती हूँ, मैं आपको 3 महीने में अच्छे अच्छे से डिबेट करना सिखा दूंगी। इंग्लिश भाई पढ़ाया हुआ है, आज का नहीं है, स्पोकन में मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को, आईएएस के ऐसे स्टूडेंट्स को सिखाया है जो मेरे पास कंपल्सरी इंग्लिश में फेल करके आए थे, और 3 महीने के बाद उसको जब मैं पोडियम पे भेजती थी, ऑफलाइन क्लास था उस समय, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन तब अभी शुरू हुआ ये सब चीज़ें, जब भेजती थी और वहाँ पे ढेर सारा चिट पड़ा रहता था टॉपिक वाइज, वो कोई भी चिट उठाता था, टॉपिक खोलता था और उस पर बोलता ही जाता था, जबकि 10 मिनट के बाद मैं रोकती थी, यार वापस आ जाओ, दूसरे को तो समय दो। इस लेवल का हम बना देते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बस मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नाउ सी, इसके बाद क्या है, क्यों कहा मैंने कि भाई इंग्लिश बोलना जरूरी है और इंग्लिश सुनना जरूरी है, क्योंकि सुनने से आप सही प्रोनंसिएशन एंड बोलने से सही उच्चारण सीखोगे, सुनने से सुनोगे। बेटा कुछ इनपुट हो तब ना आउटपुट होगा। मैंने एक बार एक क्लास में ऐसे ही कहा कि जैसे एक स्पेलिंग में अटके तो मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने कहा लो सही हो गया, सही है। तो बच्चे ने पूछा कि मैम स्पेलिंग में आप गड़बड़ाएं और आपने लिख दिया सही हो गया, कैसे हो गया? मैंने कहा बेटा बस है ना, कभी किसी चीज़ में गड़बड़ाती हूँ ना तो लिख देती हूँ, सही अपने आप सही हो जाता है। तो कहता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हो जाएगा? मैंने कहा बेटा इनपुट होना चाहिए ना, तभी तो आउटपुट होगा। मेरे पास इतना इनपुट हो चुका है कि अगर रॉन्ग स्पेलिंग लिखा गया बाय चांस तो अपने आप महसूस होता है यार रॉन्ग है, है ना। लेकिन वो इनपुट तो तब होगा ना जब आप सुनोगे, तो सही उच्चारण सुनोगे तो सही उच्चारण निकालोगे। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ बेटा, आप स्टूडेंट हो कोई बात नहीं, आप रॉन्ग प्रोनंसिएशन कर रहे हो, आप सीख रहे हो, कोई बात नहीं। लेकिन जब टीचर्स रॉन्ग प्रोनंसिएशन करते हैं और ऐसे ऐसे शब्दों का, जैसे एक टीचर का ऐसे ही, क्योंकि अभी लॉकडाउन में है ना, मैंने पूरा खंगाल लिया कि बेटा कौन बाजार में क्या पढ़ा रहा है जरा देखे तो सही। वो टीचर कह रहा था फादर इन लो, वो सुन के मेरा बेटा हंस दिया। मैंने कहा क्या हुआ, तुम क्यों हंसे? तो कहता है क्या बोल रहा है, फादर इन लो, और फादर को फादर बोल रहे हैं। ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा, उन्होंने कहा फादर इन लो, समझ रहे हो क्या बोला मैंने, इट्स फादर। ध्यान रखना, इंग्लिश का फा और हिंदी का फा में बहुत डिफरेंस है। आप किसी के लिए फूल लेके जाते हो और आपको वो लड़की फूल बना के वापस भेज देती है, लो समझ में आया? आप तो बेचारी को, आप तो उस लड़की को बेचारी समझ रहे हो कि प्यार में पढ़ के आई है आपसे मिलने, आप उसके लिए मेरा होंठ देखो, आप उसके लिए फूल लेके जाते हो, फूल, समझ रहे हो? लेकिन आप फूल बन के आते हो, फो है फो। हिंदी बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है, बिल्कुल कराएंगे बेटा इंग्लिश और प्रपोजिशन, ऐसा चैप्टर जो कराना ही पड़ता है देव, ये समझो। सुनो, हिंदी बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है, कितना साइंटिफिक मैं बताऊं आपको, उसका जितना भी, जितने भी हिंदी में आपके वोवल्स है शुरू में है आ आ ई ई ऊ ऊ ए ऐ ओ औ, है ना, और क यहां से निकलता है, क ख ग घ ळ, देखो यहां से निकल रहा है, च आप देखो जीभ आपका च छ ज झ ण, है ना, यहां से निकलता है ना, और उसके बाद प, इसलिए मैंने कहा फूल फा बोला, क्यों? क्योंकि आपका होठ चिपकना चाहिए, प फ ब भ म। भाई हिंदी का फा है, आप फादर बोलोगे कितना गंदा लगता है सुनने में,
क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, अच्छा हिंदी पढ़े हो तो आपने इसको भा बला बोला और ये आर पर भी स्ट्रेस कर दिया। इंग्लिश में हर लेटर पे जोर नहीं देते हैं, आखिरी में आर आता है वो साइलेंट हो जाता है। इट इज नॉट फादर, इट इज फादर, है ना। सॉफ्ट बनो। कई इंग्लिश मीडियम वाले सुनो ध्यान से, आप कहते हो टू, हिंदी में ट ठ ड ढ होता है, इंग्लिश में नहीं होता। इट्स नॉट टू, इट्स टू। सॉफ्ट। क्या मैं हिंदी बोलूंगी आप पहचान जाओगे? जितने बिहार के लोग हैं ध्यान दो, हम भी वहीं के हैं, हमको भी बिहार ही में से पैदा हुए हैं और बिहार में ही पले हैं, बिहार में ही बड़े हैं। हाँ, कुछ दिन तक हम बनारस में थे। देख रहे हो हम बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि हमारी तरफ हम चलता है। हम लोग वहां पे तू तो गाली मानते हैं, तू कोई बोल दे ना तो थप्पड़ खा जाए, तू तो गाली मानते हैं। हम लोग प्रणाम बोलते हैं, प्रणाम होता है लेकिन हम लोग कहते हैं प्रणाम, हम लोग नमस्ते नहीं कहते हैं क्योंकि नमस्ते इंसल्ट है वहां के लिए। या तो पैर छुओ या तो प्रणाम बोलो, ठीक है। इसका मतलब हर क्षेत्र का अपना भाषा है जिसके लिए हमें फक्र है कि हाँ हम वहां के हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या जरूरी है कि अपना क्षेत्रवाद आप इंग्लिश में डालोगे? इंग्लिश इज नॉट योर मदर टंग, इट हैज कम फ्रॉम समवेयर एल्स। इसलिए जब इंग्लिश बोलो देर मस्ट बी नो मदर टंग इन्फ्लुएंस इन योर इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। श और स का री यार हिंदी में क्या होता है? अब सुनो, मैं क्षेत्र में आती हूं। बंगाल जाओगे वो बेचारे ब्रिंजल को ब्रिंजोल बोलेंगे, क्यों? क्योंकि जल को जोल बोलते हैं। जहां भी आएगा वहां ओ बोलेंगे। हरियाणा में आओ, जहां पर भी ओ आएगा वहां पर ओ कर देंगे। तभी तो बेचारा टीचर क्या कह रहा था, फादर को फादर तो बोला ही लेकिन इन लो बोला, लॉ नहीं निकला लो। वो मॉल नहीं बोलते हैं, मॉल बोलते हैं। वो प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। देख रहे हो मैं ऐसे दिखा रही हूं आपको, प्रॉफिट प्रॉफिट, मॉल नहीं मोल। तो उनका प्रोनंसिएशन में बता देती हूँ यार, ये तो हरियाणा साइड से। अब आती हूँ मैं अपने तरफ, उधर के बच्चे इज वॉज हैज, है ना। अरे यार इज नहीं है, इट्स इज, यानी कि अगेन इसका जो प्रोनंसिएशन प्रॉब्लम था आपका होता है इज। भाई इज का मतलब ये है, इज होगा ये है। इंग्लिश में हमको फ चाहिए, ज चाहिए, ज और फ नहीं चाहिए। बॉडी लैंग्वेज बात की बात है, पहले एक्सेंट प्रोनंसिएशन तो सही करो। इंग्लिश बोल रहे हो तो इंग्लिश में बोलो। अब जैसे मैंने लिखा था अपने जो मुझे स्पोकन के लिए टीचर्स चाहिए उनके लिए, मैंने कहा था देर शुड बी नो मदर टंग इन्फ्लुएंस। उसमें एक लड़के ने क्या कमेंट किया कि मैडम अपने क्षेत्र के बच्चों को हटा रही है। भाई मेरे क्षेत्र के बच्चों को कैसे हटा दिया मैंने? मैं खुद उस क्षेत्र से हूं, जब मैं इंग्लिश बोलूं मेरा मदर टंग इन्फ्लुएंस निकाल लो तो मैं जानू? There are many teachers in Mukherjee Nagar. They claim to teach English language, but they are not confident in speaking English. एक बात बताओ, मैं हिंदी नहीं पढ़ा सकती हूँ, क्यों नहीं पढ़ाती हूँ? भैया मैं कई बार स्पेलिंग में गड़बड़ हो जाता है। अब उसके बाद स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो मेरा ऐसे ही गोल है, बिहारियों का ऐसे ही गोल होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, मेरा भी गोल है। मैं नहीं पढ़ाती हूँ क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ मैं कहीं कहीं फंसती हूँ। अरे वो तो पूरा फंसते हैं। एक बार एक टीचर पढ़ा रहे एगोनी एगोनी, मैंने कहा कौन सा शब्द है ये एगोनी? अब देखो उन्होंने कौन सा शब्द पढ़ाया, उन्होंने गॉन पढ़ा है, गो वेंट गॉन, तो गोनी कर दिया और ए कर दिया एगोनी। एक और पढ़ा रहे थे कि जो बिना प्रिपरेशन का, बिना प्रिपरेशन का हम लोग बोलते हैं, वो पढ़ा रहे थे एक्सटेम्पोर एक्सटेम्पोर। मैंने कहा एक्सटेम्पोर, अच्छा मैं समझ गई, क्योंकि पी ओ आर ई तो पोर होता है तो वो तो कहेंगे ये एक्सटेम्पोर, इट्स एक्सटेम्परे। बोलोगे मैम ये क्या है, अब परे कैसे हो गया? तभी तो मैंने कहा लिसनिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और किसको सुनोगे? मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूँ बेटा, मैं किसी का इंसल्ट नहीं कर रही हूं मैं, लेकिन एक चीज कहती हूँ, आप अगर बच्चे हो स्टूडेंट हो आप सीखो, अपने आप सीख रहे हो गलती कर रहे हो, मोस्ट वेलकम, दस गलती करो, लेकिन पढ़ते वक्त सीख रहे हो और गलती कर रहे हो। अब टीचर कहेगा ना मैं पढ़ाऊंगा और गलत बोलता है तो बदन में आग लगती है मेरी। भाई आप जो बोलोगे, मैं एक चीज जानती हूं आप कौन सा भाषा सीखे हो। मेरा बेटा जब वो छोटा था ना, जब वो बोलना सीख रहा था, तो उस समय तो मेरा स्ट्रगल ही इतना भयानक था, मैं आपको क्या बताऊं। मेरा जो घर में नौकर था वो उसकी भाषा सीखा, सबसे पहले उसकी भाषा सीख गया,
और वो गजब का बिहारी बोलता था और बहुत अच्छा, बहुत उसके मुंह से मीठा भी लगता था सुन के, इसलिए मैं उसको टोकती नहीं थी क्योंकि मुझे अच्छा लगता था सुन के। आप वो सीखते हो जो सुनते हो, तो मैं कह रही हूं ऐसा चीज मत सुनो जो गलत है, क्योंकि एक तो बच्चों को आता नहीं है और बेचारे बच्चे सीखने आ रहे हैं और ऊपर से गलत कर रहे हैं। सो रिमेंबर वन थिंग कि आपको सही प्रोनंसिएशन आना चाहिए, और सही प्रोनंसिएशन आएगा सिर्फ सुन के। इसलिए मैंने कहा सेकेंड मंथ से मैं सिर्फ इंग्लिश में बात करूंगी, देर विल बी नो हिंदी इन द क्लासरूम, ठीक है। और ये सब कुछ हम लोग जो कराएंगे आपको वीडियो के जरिए कराएंगे, आपके सामने टीचर्स होंगी और वो टीचर्स को मैं चुनूंगी, और उस छोड़ो ना वो टीचर तो बात की बात है यार, वो तो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा मतलब आप मेरे साथ डेढ़ घंटा पढ़ोगे फॉर द नेक्स्ट 3.5 मंथ्स, ध्यान रखो 3.5 मंथ्स पूरा मेरे साथ आप पढ़ोगे, सिर्फ मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। कुछ टीचर्स यहां पर कहते हैं नहीं 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 मैडम तो क्लास लेंगी उसके छोड़ देंगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक चीज जानती हूं, मेरा स्टाफ एक दिन कह दिया कि मैडम ऐसा कुछ लोग यहां अफवाह फैलाए हैं, जो कुछ ऐसा बोलता मैं कहता हूं बेटा एक चीज जान लो कि जब राजधानी में लोग सफर करते हैं उसके बाद लोकल ट्रेन में सफर नहीं कर सकते, हम तो यही सीधा कहते हैं, क्योंकि मैं जो आपको लेके चलूंगी मेरे बाद मुझे अच्छे से पता है कि मैं 3.5 महीने तक आपको इस लेवल का बना दूंगी कि उसके बाद आपको मेरे साथ 4-5 टीचर्स मिलेंगे जो आपको रोज 25-25 बच्चों को थ्रू कंप्यूटर हम लोग कन्वर्सेशन कराएंगे आपको। और जब एक बच्चा से हम 25 लोग बैठ हम लोग बैठ के एक एक लोग 25-25 बच्चों से कन्वर्सेशन करेंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास पूरा डिटेल आएगा, ठीक है ना, इंक्लूडिंग मी, पूरा डिटेल हम लोग एक जगह असेंबल करेंगे कि कौन सा बच्चा में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ अटक रहा है और उसको क्या जरूरी है, और उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा है यार, तो फिर उसको फिर से देखेंगे, है ना। अगर मैं कहूंगी यार उसका कहना है कि नहीं मैं टाइम नहीं दे पाया, टाइम है तो बेटा एडमिशन लेना, क्योंकि 3 महीना मैंने कह दिया, 3 महीना बिल्कुल तपस्या के साथ आपको करना पड़ेगा। अब आओ क्यों मैं कह रही हूं सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3.5 महीने में आपको मैं ये सब कुछ बता दूंगी कैसे कहां पर क्या करना है। आप लोग पढ़ोगे जाके SSC का इंग्लिश और बोलोगे मैडम मुझे स्पोकन नहीं आया, बेटा आप तो ऐसी चीजें पढ़े हो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो जिंदगी में कभी इस्तेमाल होता ही नहीं है, समझ में आ रहा है। एक नॉर्मल अच्छा इंग्लिश मीडियम वाला भी जो बंदा है जो खाली इंग्लिश में बात करता है उसको भी नहीं आता है वो शब्द वगैरह, तो आपको कहां से आ जाएगा और क्यों पढ़ रहे हो यार। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा मंडे वेंसडे फ्राइडे वाला बैच ले लो जो अभी आया है। आप स्पोकन बोलना चाहते हो, आप घरेलू महिला हो, आप ऐसे स्टूडेंट हो जो चाहते हो इंटरव्यू में दूं तो स्पोकन तो अच्छा इंग्लिश में दूं, तो आप स्पोकन लो। आप क्यों अननेसेसरी दुनिया भर का 6 महीना ग्रामर पढ़ना चाहते हो, समझ में आया। ओरिएंटेशन सब चीज का अलग होता है। अब आओ मैं बता रही हूं क्यों सुनना जरूरी है। सुनो मैंने कहा ना आपको यहां पर सिर्फ 100 दिख रहा है आपको, ये शुगर नहीं है, इट इज शुगर, देखो देख रहे हो, और यहां पे CH है फिर भी इट इज शेफ, देख रहे हो। आप कहोगे इसी तो प्रॉब्लम है कि C का प्रोनंसिएशन H के साथ श हो जा रहा है, यहां S है तो भी शाह है, यहां SH है तो भी शाह है। भाई आपको सिप नहीं बोलोगे आप, सिप का मतलब होता है जो एक सिप लेते हो, घूट लेते हो एक घूट, इट इज शिप, शाई, शैडो, शेप, शू, शर्ट, शॉप एंड शेड, ये सब श प्रोनंसिएशन है बेटा। आप लोग अगर यूपी और बिहार से हो ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूं, यहां पे मात खाते हो जैसे ये बोलते हो ना, होता है अच्छा दो ही आप सुनने में आएगा आपको, अच्छा ये तो बिहार से और दूसरा अरे ये तो हिंदी मीडियम से, समझ में आ रहा है। मेरा कहना है कि बिहार से होने पे मुझे गर्व है, लेकिन भाई मैं अपना बिहारी लैंग्वेज में, मैंने कहा ना मेरा बेटा बिहारी सीखा शुरू में और वो लैंग्वेज में मुझे बड़ा बहुत मीठा लगता था, मैंने उसको नहीं बिगाड़ा, वो स्कूल जाके फिर उसने मैं वगैरह सीखा है, क्योंकि स्कूल में फिर बच्चे दूसरा, और उसके टीचर को भी इतना अच्छा लगता था, कभी कभी उसको बिठा के अपने टेबल पे और उससे बात करती थी और ये अपना बिहारी लैंग्वेज में चालू रहता था, तो उसको भी पसंद आता था, बहुत मीठा लगता था। किड्जी में पढ़ता था जब छोटा था, उसके बाद इसने मैं बोलना शुरू किया, स्कूल में बोलना शुरू किया,
लेकिन यार मेरा बिहारी लैंग्वेज मेरा बिहार का है, मेरा हरियाणवी लैंग्वेज मेरा हरियाणा का है, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपने फ्रेंड्स के साथ, इंग्लिश मस्ट बी इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। और स्पोकन इसलिए भी जरूरी बेटा क्योंकि मैंने क्या कहा, आपके पास इतना ज्ञान इतना ज्ञान इतना ज्ञान, पूरा जीएस पढ़ के रख लिया है, यार एक बात बताओ, इंग्लिश के चक्कर में आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के सामने चुप हो जाते हो, मुझे खराब लगता है देख के, ठीक है। इसीलिए और एक चीज बताऊं आपको, बहुत मजेदार चीज है, सुनो। जब हमने शुरू शुरू में LLB किया ना, तो बेटा पढ़ा तो बहुत अच्छे जगह से, कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, लेकिन आपको पता है जो एक बुक का लैंग्वेज होता है, थ्योरेटिकल लैंग्वेज होता है, और एक प्रैक्टिकल होता है, दोनों बहुत अलग होता है। अब कोर्ट में जाके तो मैं फंस जाती थी क्योंकि कोर्ट में सारा प्रोसीजरल होता था, CRPC का जो होता है प्रोसेस उसको फॉलो किया जाता था, हमें आता ही नहीं था। तो दूसरे वकील को दबाने का एक ही तरीका मेरा होता था, मैं इंग्लिश में शुरू होती थी, ठीक है। और इंग्लिश में जब आप आर्ग्यूमेंट करोगे ना, आप देखोगे अगर अगला का इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है, वो जितना प्रिपेयर करके आता है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता था, और मैं उसको साइकोलॉजिकली उसको मैं मारती थी। और मेरा तो कोर्ट में बस एक ही था, एक ही तरीका था, मेरा फंडा क्या था बताऊँ, आता तो जाता कुछ था नहीं मुझे, दुक्की पढ़ते तो पढ़ के तो हम लोग पास करते हैं LLB, हमारे टीचर अगर देख लेंगे तो कहेंगे भी देखो ये कितनी बेइज्जती कर रही है। सुनो मेरा फंडा होता था, इफ यू कांट कन्विंस देम कन्फ्यूज देम। जज को कन्विंस नहीं कर पाते थे तो अगले वकील को कन्फ्यूज करके या जज को कन्फ्यूज करके एक डेट तो लेके आ जाते थे, और मेरे सीनियर बहुत खुश रहते थे मुझसे कि ये केस डिसमिस होने नहीं देती है, ये कन्फ्यूज करके कम से कम एक डेट लेके आ जाती है। जानते हो इंग्लिश से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं आपको दूसरा एक और वाक्य सुनाती हूँ, चलो आज पहली क्लास से आपको कुछ अच्छे से मैं बता दूं। जब हम लोग यहाँ पे पूरा SSC का आंदोलन हुआ और जब SSC के चीफ खुराना साहब एकदम प्रेशर में आ गए, तो उन्होंने कहा ठीक है जो वहाँ पे है लोग उनको भेजिए, हम मिलना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक लड़का जो उनका प्रतिनिधि था, और पेपर कहाँ से आउट हुआ, कैसे आउट हुआ, किसके पास सबूत है, ये लेके आइए। तो जिसने सबूत पूरा इकट्ठा किया हुआ था वो अपना पेन ड्राइव लेके आया, मैं गई और एक मैथ्स के टीचर थे वो भी, तीनों हम लोग अंदर गए कि ठीक है पुलिस हमें वहाँ पे DCP लेके गई पुलिस कि अंदर। उसके बाद क्या हुआ सुनो, अंदर जब गए तो उन्होंने कहा कि नहीं ऊपर सिर्फ दो लोग जा सकते हैं, अब दो लोग जा सकते हैं। तो लड़का थोड़ा डर गया कि मैडम सर आप लोग चले जाइए, ये पेन ड्राइव में क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ। और हमने ले लिया उससे। जब ऊपर गए तो ऊपर जाके मैं दिमाग में सोच रही हूँ मुझे कौन कौन सा पॉइंट उनको बताना है, ताकि क्योंकि 5 मिनट का तो समय मिलेगा, इतना बड़ा चीफ थोड़ी मिलेगा हम जैसे लोगों से, है ना, हम लोग जो सड़क पर बैठ के धरना कर रहे थे। तो हमें मेरे ध्यान में था हमें कौन कौन सा पॉइंट बताना है, और जो मेरे साथ मैथ्स के टीचर थे वो बेचारे कंफ्यूज, उनका चेहरे पर रंग उड़ा हुआ कि खुराना साहब तो सिर्फ इंग्लिश में ही बात करते हैं। और जब वो बाहर निकला उनका गार्ड कि आप में से कोई एक व्यक्ति चलिए क्योंकि खुराना साहब कह रहे हैं नहीं हम सिर्फ एक से मिलेंगे, तो मैंने कहा सर आप चले जाइए। नहीं नहीं मैडम आप जाइए क्योंकि खुराना साहब तो सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं, आप उनको अच्छे से कन्विंस कर लोगे। सिर्फ अकेले मैं गई अंदर, क्यों, क्योंकि एक को तो मना ही कर दिया गया, और दूसरा जिस समय इतने हम लोग टेंशन में थे कि हमें क्या क्या बोलना है और थोड़ा सा ही तो समय मिला हुआ है, उस समय बेचारे वो टेंशन में कि इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। मैंने यही कहा ना बेटा, लाइफ में स्पोकन इसलिए ज़रूरी है कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज जाइए, मेडिकल कॉलेज जाइए, लॉ करिए, या आम जिंदगी में सब जगह इंग्लिश घुस गया, हम क्या करें भाई। मोदी साहब भी तो इंग्लिश बोल रहे हैं आजकल, है ना, देखते हो ना जब उनका चलता है यहाँ से बाहर के लोगों से बात करते हैं तो इंग्लिश में बात करते हैं। इसीलिए ध्यान रखो, सबसे पहले आप जब हिंदी मीडियम के हो और इंग्लिश बोल रहे हो तो कहीं से पता नहीं चलना चाहिए कि आप हिंदी मीडियम के हो, इसलिए सबसे पहले अपना श का प्रोनंसिएशन सही करो, फिर आओ और मैं बताती हूँ जो जेड यानी ज का प्रोनंसिएशन आप गलत करते हो। अगर आप कहोगे जू जूम पॉइजन को पता नहीं क्या बोलते हैं, और उनका प्रोनंसिएशन बड़ा मतलब ज रहता है। अब एक और टीचर थे रीजनिंग के, कहते हैं मैम आज हम पज्जल कराएंगे, एक सेकंड के लिए आप शॉक्ड हो जाते हो बोल क्या रहा है, पज्जल कराएंगे, इट्स नॉट पज्जल, राइट। सो सी इट्स जू, ज है प्रोनंसिएशन बेटा ज, इट्स जू जूम पॉइजन, और ये वेडनेसडे
बोल देते हैं, लेकिन इसका प्रोनंसिएशन है वेंसडे। क्या प्रोनंसिएशन है? वेंसडे, वेडनेसडे नहीं, इट्स वेंसडे। ज़ेब्रा, क्विज, कजिन, देखो एस है लेकिन प्रोनंसिएशन ज का निकल रहा है ना। जीरो, पजल एंड विज़र्ड, देख रहे हो, इसका मतलब है कि आप ज नहीं ज बोलोगे। प्रोनंसिएशन के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब अंश अली, स्पेलिंग का बेटा क्लास अलग चलता है, स्पेलिंग का भी मैं इसमें कराऊंगी आपको, क्योंकि वो भी बहुत एसेंशियल है, क्योंकि प्रोनंसिएशन और स्पेलिंग दोनों बिल्कुल अलग है। आप एक क्लास स्पेलिंग का कराया है मैंने, आप यूट्यूब में देखना ना, मेरा क्लास एक स्पेलिंग का पढ़ा हुआ भी होगा, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट में आते हैं, ध्यान से सुनना कि ठीक है, हमने आपको प्रोनंसिएशन की बात कर दी, हमने आपको प्रोनंसिएशन का कह दिया, हमने आपको मदर टंग इन्फ्लुएंस का कह दिया, हमने आपको कह दिया कॉन्फिडेंस चाहिए, हमने कहा थोड़ा आप उसको सॉफ्ट करो। सॉफ्ट का मतलब होता है वी शुड नॉट से फादर, इट्स फादर, सॉफ्ट हुआ है, आर जो है साइलेंट हुआ है, कुछ लेटर्स होते हैं, इट इज नॉट बर्थडे, इट इज बर्थडे, टी एच बीच में आता है वो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे वर्ड्स, बिकॉज आफ्टर वन मंथ हमारा कन्वर्सेशन सिर्फ इंग्लिश में होगा, और उस दौरान आप बहुत सारी चीजों का प्रोनंसिएशन सुनोगे और उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करोगे अपने में, क्लियर। अब आओ नेक्स्ट कि ठीक है भाई, हम प्रोनंसिएशन भी सुधार लेंगे धीरे धीरे, हम एक्सेंट भी सुधार लेंगे धीरे धीरे, मतलब बोलना तो सीख ले, है ना। तो पहले बोलना सीख ले, उसके लिए सबसे पहला जो हम बोलने का प्रैक्टिस करेंगे वो होगा एक्टिव वॉइस। नाउ व्हाट इज एक्टिव वॉइस, टेल मी, व्हाट इज एक्टिव वॉइस, सुनो बेटा, इंग्लिश स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस कैसे लाए, सुनो, इंग्लिश में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, इंग्लिश पहले तो आपको सीखना पड़ेगा, पहली चीज। इंग्लिश जब बोलना शुरू कर दोगे तो कॉन्फिडेंस तब धीरे धीरे आएगा। आप इंग्लिश के थ्रू बेटा अपने आप को व्यक्त करते हो, किसी को जज करने का मौका नहीं दोगे, इसे राहुल ये सब बहुत धीरे धीरे आएगा, लेकिन आप पाओगे बहुत आराम से धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद रेगुलर बेसिस पे मैं कहूँगी इंग्लिश के टच में रहो, बातें करो लोगों से ज़्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल करो, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं बेटा जो हिंदी के जगह पे आप इंग्लिश ही यूज़ करना शुरू कर दो, है ना। मैं आपको बहुत सारे ऐसे आपको दिनचर्या से रिलेटेड सेंटेंसेस वगैरह बहुत कुछ दे दूंगी। देखो एक्टिव वॉइस क्या, सुनो ध्यान से, एक्टिव वॉइस समझने के लिए आ जाओ इसको, इसको देखो आप, उसके बाद समझ में आएगा एक्टिव वॉइस क्या है। 3-4-9-9 में बेटा स्पोकन नहीं है, इट इज कंप्लीट कोर्स फॉर जनरल कॉम्पिटिशन्स, इसलिए तो मैंने कहा कॉम्पिटिशन का इंग्लिश सीख के आप कहोगे मैं स्पोकन करूंगा, तो उसके लिए आपको स्पोकन करना पड़ेगा ना, ठीक है ना, क्योंकि आप स्पोकन क्या मतलब हो गया बोलना। और आपको पता है एक चीज बताओ, इतना है अगर आपको ग्रामर पढ़ना फॉर जनरल कॉम्पिटिशन, तो इतना में आपका काम चल जाएगा स्पोकन में, सिर्फ इतना चाहिए हमें ग्रामर स्पोकन के लिए। आप बाकी जो ग्रामर है वो अननेसेसरी ग्रामर पढ़ते हो, क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। दुनिया में यही प्रॉब्लम है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही प्रॉब्लम है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है लोगों को पता ही नहीं है। अब आओ एक्टिव वॉइस, सुनो ध्यान से, एक्टिव वॉइस, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं, कौन पढ़ाता है, मैं, मेरी शक्ल देखो ऐसी गोल मटोल सी दिखेगी आपको, है ना, ऐसी मोटी हो चुकी हूं मैं, राइट। मैं क्या पढ़ाती हूं, मैं क्या कर रही हूं, देखो मैं दे रही हूं कुछ, किसको दे रही हूं, किसको दे रही हूं, ये इसको दे रही हूं, और ये देखो मैंने इसको दिया दिया और ये इसके पास आ गया, है ना, ये एक्टिव वॉइस है। मतलब मैं करने वाली ये नीतू सिंह है, ये पढ़ा रही है, और किसको पढ़ा रही है, ये आप है, अपने आप को इमेजिन करो, है ना, ये एक्टिव वॉइस, क्लियर। एक्टिव वॉइस का मतलब जब करने वाला वाक्य में सबसे आगे बैठा हो, वो क्रिया कर रहा हो, और जिस पर क्रिया कर रहा हो वो ऑब्जेक्ट है, दैट इज एक्टिव वॉइस, दैट मींस आई टीच इंग्लिश, दिस इज इंग्लिश नहीं बेटा,
जैसे मेरा कोई टीचर आता है हमारे यहाँ डेमो में कि मैडम मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, मैं कहती हूँ क्या पढ़ाएंगे अब सर? मैडम मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। मैंने कहा ठीक है सर, आपको डेमो के लिए कॉल आ जाएगा। डेमो का कॉल उनके पास कभी नहीं जाएगा। मैम मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, इंग्लिश नहीं होता है, इट्स इंग्लिश, है ना? एंड सी, अगर मैं कहूँ मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, आई टीच, क्या अब इसकी जगह किताब इमेजिन कर लो, इंग्लिश। आई टीच किसको? यू। इसका मतलब ये करने वाला सबसे आगे बैठा है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। वो जो करता है उसको वर्ब कहते हैं, और जिस पर करता है वो ऑब्जेक्ट कहते हैं। आप कहोगे मैम कल भी तो आपने पढ़ाया था यही चीज हमारा टेंस में। बेटा आपको जो टेंस में मैं उस बैच में पढ़ाऊंगी उसमें इतना डिटेल में पढ़ाऊंगी ना, इतना डिटेल में कि आपका टेंस में कहीं से कोई यूज नहीं छूटेगा। अब इसमें इसमें मैं इतना डिटेल में वो कराऊंगी जो स्पोकन के लिए इम्पॉर्टेंट है। यार जो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने तब देखा जब मुझे पढ़ाना था, तो मैं क्यों उसको आपको सिखाऊं? राइट? इसीलिए क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये एक दायरा बनाना भी बहुत जरूरी है आप सबके लिए। आ जाओ, मैंने क्या कहा कि मैं पढ़ाती हूं किसको? आपको। मैं पढ़ाती हूं क्या? इंग्लिश। इसका मतलब इस सेंटेंस में आपको एक चीज महसूस हो गया कि कौन पढ़ाता है, दैट इज द सब्जेक्ट, और किसको पढ़ाता है, किसको, दैट इज द ऑब्जेक्ट। कौन पढ़ाता है, दैट इज द सब्जेक्ट, और क्या पढ़ाता है, इंग्लिश, अच्छा दैट इज द ऑब्जेक्ट। मतलब एक सेंटेंस में अगर मैं आपको बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस बना दूं कि आजकल देश के हर कोने में हर जगह पे हम कोरोना के मरीज देख सकते हैं। देखो उलझाया सेंटेंस मैंने कैसे, आजकल देश के हर कोने में हर जगह पे हम कोरोना के मरीज देख सकते हैं। भाई इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस में आपको सबसे पहले देखना है कौन हम। हम मतलब सब्जेक्ट, देख सकते हैं ये वर्ब है, देख सकते हैं क्या कोरोना के मरीज। पहले ये खत्म करो ना, आगे उसके बाद बढ़ेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। मतलब वी कैन सी कोरोना पेशेंट्स या COVID-19 पेशेंट्स, अब बाकी जो मामले हैं ना वो सारा बाद में, इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। मतलब आपको सबसे पहले एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके थाली में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है पहले उसको खाओगे ना। आप चावल दाल सब्जी को छोड़ के पहले नमक या अचार ये सब नहीं ना चाटोगे, वो सब बाद की बात है। फर्स्ट आपको सबसे मेन इंग्रेडिएंट कौन है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो रिमेंबर फॉर द नेक्स्ट 1.5 मंथ्स हम लोग सिर्फ एक्टिव वॉइस में होंगे, क्योंकि उसके बाद पैसिव वॉइस समझ में आएगा। पहले आपको एक्टिव वॉइस को तरीके से करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखा है, वो आप देख सकते हो कि सेंटेंसेस को मैंने एकदम सेग्रीगेट कर दिया है सबको अलग अलग, कि किस तरह से सब्जेक्ट यानी ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और किसको कर रहे हैं, इस पर कर रहे हैं। यानी फुटबॉल कुछ कर नहीं रहा है, फुटबॉल पे काम हो रहा है। बुक्स कुछ कर नहीं रहा है, बुक्स बुक्स को पढ़ा जा रहा है। स्टोरीज कुछ कर नहीं रहा है, स्टोरीज को पढ़ा जा रहा है। प्लांट थोड़ी कुछ हो रहा है, प्लांट्स को ग्रो किया जा रहा है। और ट्रूथ तो इन लोगों ने बोला, वर्ब है, और ट्रूथ दैट इज द ऑब्जेक्ट। सो रिमेंबर व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश इट मस्ट बी इन करेक्ट टेंस, एंड टेंस इज द फर्स्ट चैप्टर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आओ, ठीक है टेंस पढ़ना है, कैसे पढ़ें? बेटा टेंस पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कुछ की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको दिखाती हूं क्या जरूरत पड़ेगी। कल भी जो लोग कल क्लास लिए थे उनको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आज आपका लोड हो गया है हमारे केडी लाइव के ऐप में, आप देखना। इरेगुलर एंड रेगुलर वर्ब से बेटा आपको कहोगे मैम इसको क्यों याद करें, आपको कम से कम उठना जागना बैठना होना सहन करना बनना ये सब की इंग्लिश तो आनी चाहिए ना।
इंग्लिश पढ़ना है ना, तो बेटा मैंने बता दिया आपको, कई बार बता दिया, केडी लाइव टेलीग्राम चैनल में ईयरफोन आइकन में चले जाओ, फिर मीडिया सेंटर पे चले जाओ, वहां मिल जाएगा आपको, ठीक है? क्लियर? सब सुनो, ध्यान से देखो, सॉरी, केडी लाइव के ऐप में, टेलीग्राम चैनल नहीं बेटा, ऐप में, क्योंकि हम लोग बार बार एक ही बात बोल देते हैं ना, भूल जाती हूँ मैं कभी कभी। केडी लाइव के ऐप में जाओगे, प्ले स्टोर से आप, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड करो, ठीक है? मेरे मुंह से गलत निकल गया, प्ले स्टोर, यस, वेरी गुड, लोग केडी कैंपस ने दे दिया आपको, केडी कैंपस ने, आप देखो उसमें कमेंट्स में आ रहा है, बस सीधा फटाफट नोट कर लो कहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मिलेगा। मैंने कहा ना, वी हैव मेड एवरीथिंग वेरी इजी फॉर यू, वेरी इजी फॉर यू, दैट मीन्स वी जस्ट वॉन्ट टू गिव यू एवरीथिंग इन रिटर्न एंड यू हैव टू जस्ट इम्बाइब दैट। इम्बाइब का मतलब सोखना, अपने दिमाग में सोखो। आप पिक्चर जाते हो देखने, आप बैठ के वहाँ नोट्स नहीं बनाते हो कि अच्छा ये है, इसके बाद ये है, वहाँ बैठ के वो सब नोट्स नहीं नोट करते हो, है ना? जैसे कहते हैं, राम तेरी, मुंह से निकलता है गंगा मैली। कैसे निकला भाई? मेरे जमाने की मूवी है राम तेरी गंगा मैली, मैंने उस पर डांस किया था गिरिडीह में, और उस पर बहुत हंगामा हुआ था, बहुत, मतलब कहती हूँ ना मैं, बिल्कुल हीरोइन बन गई थी वहां पे। समझ में आया? लेकिन आपने कहा, जैसे मैं कहूंगी राम तेरी, तुरंत मुंह से निकलता है राम तेरी गंगा मैली। क्यों? क्योंकि आपको वो पिक्चर का नाम याद हो जाता है ना? चाहे जितना भी कंफ्यूजिंग नाम होता है, पिक्चर का याद रहता है। उस पिक्चर में क्या हुआ था, एक बार जाके देखते हो आपको याद रहता है, कहाँ पे कौन सा डायलॉग हो याद हो जाता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, आप सब विजुअलाइज करते हो। मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि सब कुछ आपको एकदम सामने बिल्कुल पेश कर दूं, आप सिर्फ देखो उसको इम्बाइब करो, ठीक है? आ जाओ, चलो, वर्ब के फॉर्म्स, बेटा वर्ब के फॉर्म्स याद करने पड़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म देख रहे हो, सेकेंड फॉर्म देख रहे हो। सेकेंड फॉर्म जो होता है ना बेटा, वो पास्ट में यूज करते हैं। जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसको हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। वर्ब का बेस फॉर्म बाद में बताएंगे, अभी जरूरत नहीं आपको। आईएनजी फॉर्म वो सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस बताता है, और ये एसईएस फॉर्म, ये भी आपको फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि ये सिंगुलर के साथ यूज होता है और ये प्लूरल के साथ यूज होता है, ठीक है? कुछ एक एक्सेप्शन से, जैसे बी है उसको छोड़ो, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, ये सारे वर्ब के फॉर्म्स में आपके पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हूं। और बेटा मैंने कल भी एक ही चीज कहा है कि मेरे तरफ से पूरी कोशिश यही रहती है कि जो भी चीजें हम फ्री में दे सकते हैं दे दे, जो चीज हम फ्री में नहीं दे पाते हैं, क्योंकि देखो केडी लाइव अलग है, केडी कैंपस का यूट्यूब चैनल में मैं काफी फ्री क्लासेस लेती हूँ, केडी लाइव ऐप में फ्री क्लासेस नहीं चल सकता क्योंकि पूरा कमर्शलाइज वो चीज, ठीक है? तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी उसमें मैंने एक सेक्शन बना दिया है पीडीएफ का, जहां पर आप जितना मटेरियल है फ्री का वो सब लोडेड है, आप उतारो ना। बस खाली मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, ये सारा है, देखो इतने वर्ब के फॉर्म्स दे दिए मैंने आपको, मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, आप उसको पढ़ो, अपने फ्रेंड से शेयर करो, और बिल्कुल उसको, जैसे कहते हैं ना, ज्ञान की गंगा बह रही है, आप उसको इंजॉय करो। लेकिन प्लीज, जितने टीचर्स मुझे देख रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूं, क्योंकि मैं दिन दिन भर करीबन 16 घंटे काम कर रही हूं, सब मटेरियल बहुत मेहनत से बना रही हूं। प्लीज फॉर गॉड सेक, उस मेहनत को कॉपी एंड पेस्ट मत मारना, क्योंकि इस बार ठीक है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 भी आप लोगों ने बहुत कुछ इधर उधर किया है, लेकिन इस बार मैं एक एक चैप्टर का कॉपीराइट लेते जा रही, इसीलिए कहीं ऐसा ना हो बाद में आप फंसोगे। इसीलिए स्टूडेंट हो, आराम से एक दूसरे से बात बांटो, शेयर करो, और कम से कम टेलीग्राम चैनल को, सॉरी, हमारे केडी ऐप को आप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, क्योंकि आप इसको अगर डाउनलोड कर लोगे ना बेटा, तो एक सबसे अच्छी बात हो जाएगी कि जब भी हम कोई मैटर अपडेट करेंगे आपको दिख जाएगा, है ना? आपके पास क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है पता नहीं, क्योंकि हमेशा मैं अपडेटेड मटेरियल चाहती हूँ आपको आए। सो मैं आपको शुरू करना चाह रही हूँ स्पोकन इंग्लिश, उसमें अभी फॉर द नेक्स्ट 10 डेज बड़े आराम से करो। उसका रीज़न ठीक है, शायद देख लिया मैंने आपका,
आप उसको रहने दो नाउअडेज़। बिल्कुल सही, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसीलिए आप एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, आप लोग स्पोकन में हम ग्रामर लिमिटेड जितना ज़रूरी है स्पोकन में, वोकैबलरी बहुत ज़्यादा और कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा, एक्सेंट प्रोनंसिएशन जो इंग्लिश मीडियम का है, बॉडी लैंग्वेज द कॉन्फिडेंस दर्शाए, आई कांटेक्ट सीधा होना चाहिए, चेहरे का एक्सप्रेशन जैसे हिंदी में होता है जब आप कुछ बोलते हो तो इंग्लिश में हिंदी में वैसे ही होता है, ठीक है ना। अब इंग्लिश में क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और उड़ा हुआ है, डर रहे हो बोलने में। वो सब तब तक होगा जब तक आप में हेजिटेशन है, हेजिटेशन खत्म हो जाएगा वो सब कुछ फिनिश हो जाएगा, और जिंदगी में हमेशा इंप्रूव करते रहोगे, इसलिए वो टेंशन मत लो। अब सुनो क्या बोल रही हूं मैं आपको, इंग्लिश पढ़ना है तो आप कभी भी इस तरह से इंग्लिश मत पढ़ो कि हिंदी मीडियम वाले जो कहते हैं ना, एक आता था पहले 45 दिनों में फराटेदार अंग्रेजी बोलना सीखिए, और जब वहां जाओ तो वो ट्रांसलेशन से इंग्लिश सिखाते थे। मैं इनफैक्ट मैंने खुद पढ़ाया हुआ है वैसे इंस्टीट्यूट्स में, और मैंने एक चीज महसूस किया कि भाई जो टीचर भी आ रही है उनको भी नहीं पता है इंग्लिश कैसे सिखाया जाता है। वो हमसे पूछ रहे मैडम इंग्लिश कैसे कराते हैं, आप कैसे कराते हो, हमने तो देखा ट्रांसलेशन की बुक में ता है ती है से। मैंने कहा यार ये सब यूजलेस चीजें हैं, यानी इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश में सोचो, इमिडिएटली आपका जो ब्रेन है और आपका टंग में कनेक्टिविटी होना चाहिए। मदर टंग इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आपकी मातृभाषा नहीं है। और अमेरिकन एक्सेंट बहुत गलत है, कुछ लोग अमेरिकन एक्सेंट बताने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल इडियट साउंड करते हैं। इंडिया में हम ब्रिटिश से सीखे हुए हैं इंग्लिश, जो कि स्पेलिंग्स में भी थोड़ा सा पक्का था, इसलिए अमेरिकन स्पेलिंग नहीं चलेगा। प्रोनंसिएशन बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। इसलिए अगर आप मुझसे पूछोगे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, देखो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आई एम नीतू सिंह, आई एम फ्रॉम डेली, इन डेली आई लिव इन मुखर्जी नगर एंड आई हैव माई ओन कोचिंग सेंटर इन द नेम ऑफ केडी कैंपस, आई टीच देयर एंड देर आर अराउंड मोर देन 200 टीचर्स विथ मी इन माई इंस्टीट्यूट, एंड देर वी हैव मैनी ब्रांचेस इन डेली टू एंड ऑल ओवर इंडिया टू वी हैव मैनी ब्रांचेस। नाउ सी वेरी कॉन्फिडेंटली, वेरी स्मूथली, वेरी क्लियरली आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ। नाउ आई सेड वेरी कॉन्फिडेंटली, वेरी स्मूथली, आई वॉज नॉट इन अ हरी, आई वॉज नॉट वरीड, आई वॉज नॉट टेंस, दैट मीन्स आई शुड हैव प्रॉपर इंटोनेशन, आई शुड हैव प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज। जब आप बोलते हो, अगर देखो देखो एक चीज देखना, मैं दो चीजें आपको दो एग्जाम्पल दूंगी। मनमोहन सिंह बहुत ईमानदार प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो एक इफेक्ट नहीं छोड़ पाते थे क्योंकि वो बहुत प्लेन बोलते थे। और आपने एक चीज़ देखा होगा हमारे मोदी साहब को, जब वो मित्रों भी बोलते हैं ना तो उनका एक मित्रों है ना, देखते हो, दैट इज कॉल्ड इंटोनेशन, यानी अप्स एंड डाउन्स इन योर स्पीच। व्हेन यू वांट टू से समथिंग इफेक्टिवली यू मस्ट पिन द इम्पॉर्टेंट वर्ड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सी द वे आई सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एक तो चेहरे का एक्सप्रेशन देखो, नॉट पे हमने जोर दिया, क्यों? क्योंकि मैं यही बात आपके दिमाग में पिन करना चाहती हूं, तो जिस वर्ड को पिन करना है उस पर जोर देना है, बाकी फ्लो में जाना है। एक ही लाइन मैंने कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नॉट पे जोर दिया, बाकी देखो। इसलिए जब मैं बोलूंगी ना आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैम क्या, क्योंकि मैं बहुत फास्ट नहीं हूंगी, मेरा इंटोनेशन कभी कभी आपको एक रिंगिंग टोन में महसूस होगा, क्योंकि मेरे लैंग्वेज में इतना इंटोनेशन आ चुका है ना, क्योंकि हिंदी हो या इंग्लिश हो मैं एक लय में बोलती हूं, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते आ जाता है बेटा, पढ़ाते पढ़ाते आ जाएगा, राइट। इसीलिए आप सबसे पहले आज के बाद, मैं अभी फ्री का क्लास दे रही हूं आपको 3 दिन, आज फर्स्ट डे है, आज फर्स्ट डे है स्पोकन का, कंफ्यूज मत करना, कल फर्स्ट डे था कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, आज फर्स्ट डे है स्पोकन का, जो सिर्फ अस्पोकन नहीं स्पोकन, ठीक है ना। कुछ लोग अस्पोकन भी कहते हैं, कुछ लोग बल्ब कहते हैं, कुछ लोग सकूल कहते हैं। अब हिंदी में स्टूडेंट्स का कहना है मैम जनवरी में आ जाएगा, अच्छा फरवरी में आ जाएगा, यार आप जनवरी फरवरी हिंदी मीडियम के हो, हिंदी पसंद है, ज्यादा हिंदी पसंद है तो बोलो ना, चेत बैसाख जेठ आषाढ़,
सावन भादो आसिन कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, नहीं इतना तो नहीं आता हिंदी, तो फिर इंग्लिश का हिंदी क्यों कर रहे हो? इट इज नॉट जनवरी फरवरी, इट्स जनवरी फेब्रुअरी, मार्च अप्रैल, अप्रैल नहीं होता, इट्स अप्रैल, मई मई नहीं होता, जून जुलाई, अगस्त अगस्त नहीं होता, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है? और दिन का नाम मंडे ट्यूसडे वेंसडे, इट इज नॉट वेडनेसडे, वेंसडे थर्सडे, इट इज नॉट आर को आर वहां साइलेंट है थर्सडे में, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, इट इज नॉट सैटरडे, इट्स सैटरडे संडे। प्रोनंसिएशन एंड एक्सेंट इंग्लिश में रखो अगर इंग्लिश बोल रहे हो तो, हिंदी में रखो अगर हिंदी बोल रहे हो, यार हिंदी बोलो मैं अच्छे से हिंदी में बोलूंगी। अब हिंदी बहुत हमारी मातृभाषा है यार, मैं बहुत सम्मान करती हूँ हिंदी का, लेकिन जब मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो इंग्लिश के साथ जस्टिस तो करूंगी ना, हिंदी को इंग्लिश में कहाँ घुसेड़ दूं मैं, क्लियर? अब आओ ये याद करना शुरू कर दो बेटा, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आप लोग एक सेकेंड, आज कौन सा दिन है? थर्ड, कहाँ गया इसका ऊपर ये वाला? ओके सुनो, मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके लिए भी स्पोकन का कोशिश करते हैं उसके पेरेंट्स, उनके लिए भी उनके पेरेंट्स क्या करते हैं ना, स्टोरी बुक्स लाते हैं। स्टोरी बुक्स पता है क्यों लाते हैं? लेट मी शो यू क्यों स्टोरी बुक पढ़ना चाहिए, क्यों स्टोरीज पढ़ना चाहिए। शुरू में आपको स्टोरीज जो मिलेंगे वो थोड़ा सा आसान स्टोरीज मिलेगा, क्यों? क्योंकि आपको पहले तो मैं एक पटरी पर चढ़ाऊँ ना, शुरू से डिफिकल्ट नहीं पढ़ा सकती हूँ मैं। इसका फीस कितना है बेटा? इसका फीस 2500 है, जो आगे जाके इसलिए बढ़ेगा नेक्स्ट बैच से, क्योंकि हम जो पिछले बैच में कमिटमेंट नहीं किए थे कि हम आपको ऐप के थ्रू 25 स्टूडेंट्स का कन्वर्सेशन, लाइव कन्वर्सेशन कराएंगे, वो हमने कमिटमेंट नहीं किया था, तब 2500 था। आप अगला बैच से या हो सकता है विद इन अ फ्यू डेज ये फीस जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि इनका अब कॉस्ट बढ़ने वाला है, क्योंकि दे आर गोइंग टू अपॉइंट मेनी मेनी टीचर्स फॉर कन्वर्सेशन क्लास, जो कि मेरे 1.5 घंटे क्लास के अलावा चलेगा, यानी वो एडिशनल फैसिलिटी है, वो एडिशनल फैसिलिटी है, जो कन्वर्सेशन का फैसिलिटी हम दे रहे हैं वो एडिशनल फैसिलिटी है। मेरे साथ आप करीबन 3-3.5 महीने पढ़ोगे, अराउंड 3 मंथ्स का हमारा कमिटमेंट है, 3 महीना, और हमारा रोज 1.5 घंटा, हमारा 1.5 घंटा ऑल्टरनेट डे क्लास चलेगा, और इसके अलावा आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट स्टोरीज वगैरह जो होता है, जितने भी तरह के आपको डिक्शनरी, हम स्पोकन का डिक्शनरी अलग देंगे, आप अननेसेसरी वर्ड्स याद करके बैठे हो जो जिंदगी में कभी यूज नहीं करोगे आप, ठीक है? जितने PDF हैं अब KD ऐप में चले जाओ, डाउनलोड कर लो आप जाके प्ले स्टोर से, और उसमें सब मिल जाएगा। वो मीडिया में चले जाओगे, वहाँ पे एक ईयरफोन आइकन है और मीडिया में उसने दिया भी है, और PDF में आपको सारा कंप्लीट नोट्स मिलेगा, जो भी मैं पढ़ाऊंगी, मेरी पूरी कोशिश है कम से कम लिखवाऊँ आपको, आपका टाइम कम से कम लूँ, ताकि अच्छे से आप स्पोकन कर सको, ठीक है? और खाली इसमें खाली स्पोकन है बेटा, आज जो मैं बता रही हूँ फीस एंड एवरीथिंग वो सिर्फ स्पोकन का बता रही हूँ। और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग, मैं आपको देखो कल रात का इतना मैसेज आ गया था कल मुझे, कि मुझे लगता है मैं सुबह 4:30 बजे सबका मैसेज का रिप्लाई कर पाई हूँ, लेकिन मैं इसलिए कहती हूँ कि थोड़ा मुश्किल होता है मुझे, इसलिए आप लोग मेल कर दो तो बेटर होगा। अगर आप मेल नहीं कर सकते हो तब मुझे मैसेज करना, या मेल कर कोई प्रॉब्लम हो तब मुझे मैसेज करना। मेरा मेल जो है इसमें याद रखना, online@kdcampus.org है, ठीक है? online@kdcampus.org है। और मेरा फोन नंबर जो है, फोन मत करना, कल रात को 2:30 बजे कोई फोन कर रहा था पागल की तरह, बताओ उस समय मैं फोन उठाऊंगी? 8860338000, ठीक है? सोमिया राज, कभी भी मत कहो मैं पुअर हूं, कभी भी मत करो। मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, ये बात मुंह से कभी मत निकालना कि मैं
पता है मैं और आपको, चलो अब मैं आपको बस स्टोरी कराना है आज, लेकिन मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन मानो मेरी तरफ से, क्योंकि मैं आपसे बड़ी हूँ, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दूंगी, उसको एडवाइस या इंस्ट्रक्शन जो मान लो। कभी भी मत कहो कि मेरा किस्मत खराब है, मैं बहुत गरीब हूँ। क्या? मेरा किस्मत खराब है कभी मत बोलना, और मैं बहुत गरीब हूँ कभी मत बोलना। आपके लैंग्वेज में समझा देती हूँ, अब अपने गर्लफ्रेंड को कहोगे तुम बहुत खराब हो, जूते मारेगी चली जाएगी, है ना, जूते मार के जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने कहा तुम बहुत खराब हो। यार जितनी खराब है बर्दाश्त करो, कहो तुम बहुत अच्छी हो। अगर कहो कि तुम बहुत अच्छी हो तो शायद खुश हो जाएगी, है ना। इसीलिए किस्मत भी गर्लफ्रेंड होती है, उसको कभी भी खराब मत बोलो। कहते हैं आपके 24 घंटे में एक बार आपकी जुबान पे सरस्वती बैठती है। हिंदू धर्म की बात बताओ, जो बोलोगे वो हो जाएगा, है ना। इसीलिए याद रखना कि कुंभकर्ण भी गया था इंद्र का सिंहासन मांगने के लिए कि हमें इंद्रासन दे दीजिए। उसके मुंह से निकल गया हमें निंद्रासन दे दीजिए, और फिर वो 6 6 महीने सोता रहा, राइट। इसलिए कभी मत करना कि मैं गरीब हूं। गरीब आप नहीं है, गरीब बेटा पैसे से नहीं होता, ठीक है ना। आप में एजुकेटेड नहीं हो, आप क्या अनपढ़ हो? हाँ, आपको कुछ समझ में नहीं आता। अब मानसिक दिवालिया हो, नहीं ना, तो फिर गरीब कैसे हो गए, ठीक है। कभी अपने आप को गरीब मत कहना। चलो आ जाओ, मैं आपको सिर्फ इसलिए कह रही हूं कि मैं आपको एक आसान सा स्टोरी बता रही हूं। कौन से क्लास का स्टोरी यार? ऐसे स्टोरीज, ऐसे सुंदर सुंदर स्टोरीज। पता है बचपन में हम लोग जाते थे लाइब्रेरी में, और सबसे सुंदर लड़की जो जो होती थी ना, जिसमें सबसे सुंदर लड़की हो और एक कोई विच हो जैसे राक्षसनी टाइप की, तो वही स्टोरी हम लोग उठाते थे क्योंकि बहुत अच्छा लगता था देख के, और थोड़े से पेजेस में वो स्टोरीज खत्म हो जाते थे, लेकिन एक बहुत अच्छे सुंदर कवर में वो को स्टोरी रहता था और उसको पढ़ के मजा आता था। मैं कह रही हूं शुरुआत यहीं से करेंगे। क्यों? बिकॉज यू नीड टू नो हाउ टू रीड स्टोरीज। आई टोल्ड यू, कभी भी कोशिश नहीं करो ट्रांसलेशन से इंग्लिश सीखने का। ट्रांसलेशन हम बहुत लिमिटेड करते हैं सिर्फ इसीलिए कि देखो बेटा, ट्रांसलेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट जस्ट टू फाइंड आउट कि आप क्या बोलना चाहते थे, क्या बोलते हो, है ना। हाँ, मेरी भी किस्मत अच्छी है, सब लोग कहो मेरी किस्मत अच्छी है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, फ्रैंकली बताती हूँ, पूरे मुखर्जी नगर हो या सब जगह हो, एक बात बिल्कुल फैली हुई है, पता क्या, कि मैडम बहुत पैसे वाली है, नीतू सिंह के पास बहुत पैसा है। अरे यार बिजनेस बंद पड़ी हुई है, अभी कहां से पैसा आ जाएगा? पैसा का फ्लो होता है बिजनेसमैन के पास, लेकिन मैं कभी नहीं कहती मेरे पास पैसे नहीं है। यार क्यों कहूं मेरे पास पैसे नहीं है? अगर कहूंगी तो यहां पे दुनिया भर के लोग ऐसे ही पागल लोग बैठे हुए हैं, एक अकेली औरत देख के तुरंत दिमाग खराब करेंगे। दूसरी बात, एक चीज और है, पैसा आपको कोई देने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं दे देगा, जान लो अच्छी तरह से। अगर आप कहोगे मेरे पास पैसे नहीं है, कोई नहीं देगा। हाँ, अगर उनको पता होगा आपके पास बहुत पैसे हैं तो आपसे दूर रहेगा, क्योंकि उसको पता है यार पुलिस हो या कोर्ट हो, हर जगह ये अच्छे से अच्छा वकील खड़ा कर सकती है, या पुलिस स्टेशन चली जाएगी तो पुलिस वाले समझ जाएंगे कि यार कोई मालदार पार्टी आया है, तो शायद थोड़ा सा ये इन्फ्लुएंस डाल दे। और दूसरी बात, इसके पढ़ाई हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे पोस्ट पे, तो इसलिए सबको है ना एक गलत फहमी में हमेशा बना के रखो। उसका रीजन ये है, आपको कोई कुछ नहीं देने वाला, ध्यान रखना, कोई कुछ नहीं देगा, लेकिन आपसे सब डरेगा अगर उनको पता रहेगा यार बहुत पहुंचे हुए। इसलिए मैं तो सीधा बनती हूँ, यार बहुत पैसे है मेरे पास, होना चाहिए। क्यों ऐसे ही बोलो? बहुत है मेरे पास, क्योंकि आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है ना, वो भगवान को और आपके दुश्मन दोनों को कंफ्यूज कर देगा। कंफ्यूज इसलिए करेगा, दुश्मन सोचेगा यार ये बहुत खुश है लगता है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब भगवान कंफ्यूज रहेगा, यार इतनी परेशानी दिया है इसको, किस बात का सुख है, चल वापस आओ। स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स, ड्वार्फ्स कहते हैं बेटा, है ना। ड्वार्फ्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बौना। देखो छोटे छोटे बौने है ना, बस इन्हीं को देख के हम समझ गए, अच्छा 7 ड्वार्फ्स, ड्वार्फ्स मतलब देखो ना छोटे छोटे बौने हैं। एंड स्नो वाइट, देखो इतनी सुंदर गोरी सी वाइट है। अब देखो यहां जैसे हम स्टोरी में आते हैं, वंस अपॉन ए टाइम, बेटा ये स्ट्रक्चर याद हो जाना चाहिए। कोई भी स्टोरी का स्ट्रक्चर यहीं से शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है ना। वंस अपॉन ए टाइम अ क्वीन गेव बर्थ, देख लो तभी तो कहा वर्ब के फॉर्म्स आने चाहिए। ये गिव का सेकेंड फॉर्म है गेव, यानी कि हम लोग एक समय की बात है, पुरानी बात कर रहे हैं,
जब पुरानी बात कर रहे हो तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाओगे ना, यानी यही से हमें पता चल गया हम जब पास्ट की बात करेंगे तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, है ना। गेव बर्थ टू अ बेबी गर्ल, इसका मतलब बेबी से काम नहीं चलने वाला, बेबी गर्ल बोलना पड़ेगा, है ना। आप लोग कई बार कहते हो बेबी बाबू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेबी का मतलब बच्चा होता है, और अगर उसका लिंग बताना है तो बेबी गर्ल एंड बेबी बॉय बोलना पड़ेगा। द गर्ल वॉज ब्यूटिफुल, वॉज का मतलब बी, बेस फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होता है, पास्ट में वॉज वर। अब देखो मैंने कहा द गर्ल वॉज, इसका मतलब पता चल जा रहा है कि भाई ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना गर्ल, उसके साथ वॉज आ रहा है। द गर्ल वॉज ब्यूटिफुल विथ स्किन एज वाइट एज स्नो, एज वाइट एज स्नो, लिप्स एज रेड एज रोज एंड हेयर एज ब्लैक एज कोल। ये क्या है जानते हो, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप ग्रामर पढ़ते हो ना तो बैठकर रट्टा मारते हो, एज सॉफ्ट एज फर, एज वाइट एज स्नो, और फिर हिंदी में कहते हैं दूध की तरह सफेद है वो लड़की, फिर कहते हैं एज वाइट एज मिल्क। अरे नहीं बेटा, हिंदी है कि दूध की तरह सफेद है, इंग्लिश में दूध की तरह सफेद कंपैरिजन नहीं होता, होता है एज वाइट एज स्नो, तभी तो इस लड़की का नाम स्नो वाइट पड़ा था। क्लियर, समझ में आ रहा है, यानी कि हम जैसे कहें एक समय की बात है, समझ गए पास्ट में गए। देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और यहां पे आपको स्टोरी ही स्टोरी में मैंने कंपैरिजन सिखा दिया कि बहुत लाल कंपेयर करना है तो कहेंगे एज रेड एज रोज, काला कंपेयर करना है एज ब्लैक एज कोल, एज ब्लैक एज, और कुछ भी यूज नहीं करोगे। सो ये सारी चीजें जो है ना आपको धीरे धीरे अपने आप आता चला जाएगा। रीडिंग इज द बेस्ट वे, फर्स्ट थिंग, एंड ग्रामर में भी आपको पता होना चाहिए कि ग्रामर में हमको पढ़ना क्या है। भाई स्पोकन पढ़ना है, हमें एग्जाम नहीं देना है तो हम वो चीजें क्यों पढ़ें जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चा पढ़ता है, वहां उगलता है और भूल जाता है। अंडरस्टूड, ऐसे बहुत सारे स्टोरीज मिलेंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया स्टोरीज में दूंगी। अब देखो, उस क्वीन ने नाम दिया उस लड़की को स्नो वाइट, नेम। बोलोगे मैम नेम का मतलब तो नाम होता है, नाम का मतलब नाउन हो गया ना। देखो यहां नेम को वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया और सेकेंड फॉर्म लगाया है, इसीलिए ध्यान दो नेम्ड यानी कि वी टू, उसने उस लड़की को बच्ची को नाम दिया स्नो वाइट। अब देखो यहां एडवर्ब आ रहा है सैडली, यानी जैसे हम सैडली बोलेंगे ना समझ में आ जाएगा कि इसके बाद जो न्यूज मिलने वाला है, जो इसके बाद आने वाला खबर या सेंटेंस है वो दुख से भरा हुआ है। अगर होगा कि अरे यार वहां एक्सीडेंट हो गया है, और जैसे मैंने कहा यू नो फॉर्चुनेटली, जैसे मैंने कहा फॉर्चुनेटली, इसका मतलब कोई अच्छी खबर दे रही हूं, भाई भयानक एक्सीडेंट हुआ है, बट फॉर्चुनेटली यानी आने वाला खबर जो है थोड़ा सा ठंडक देने वाला, समझ में आया। इसलिए सैडली जैसे बोला द क्वीन डाइड, डाइड मतलब डाई का सेकेंड फॉर्म यानी मर गई। अपने आप मुंह से वी टू निकलेगा पास्ट में, आपको नहीं बोलना पड़ेगा अच्छा गो का सेकेंड फॉर्म क्या है, वेंट, वो चला गया, चला गया तो ही वेंट, नहीं। स्टोरीज पढ़ोगे, फेरी टेल्स, बहुत सारे फेरी टेल्स दूंगी मैं आपको, उस फेरी टेल में आप ये महसूस करोगे कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म आराम से मुंह से निकलना चाहिए, ठीक है। अब ये स्टोरी आपको फ्री में डाल दूंगी बेटा, उसमें आपको पीडीएफ फ्री में डाल दूंगी, आज इन तीन क्लासेस में जो पढ़ाऊंगी सब फ्री में डाल दूंगी। वहां जाओ ना, आपको वहां पर देखोगे 160 पेज का वर्ब पड़ा हुआ है, 160 पेज का पीडीएफ वर्ब का पड़ा हुआ है, वो इसके काम का नहीं है, उसमें बीच में बस वही फॉर्म्स और वर्ब्स है जो काम का है, बाकी आपके लाइक कोई भी चीज नहीं है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो बहुत अच्छा नोट्स है। आप स्पोकन की बात कर रहे हो, उसको देखना भी मत, क्या बोला मैंने, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत अच्छा नोट्स है, 160 पेजेस का है, आप डाउनलोड कर लो वहां से। आप स्पोकन की तैयारी कर रहे हो, उसको देखना भी मत, 160 पेज है, आपको गड़बड़ कर देगा, ठीक है, समझ में आया। इसीलिए क्या पढ़ना है ध्यान से देखो, सून आफ्टर
उसके बहुत जल्दी ही द किंग मैरिड। अरे यार मैरिड क्या है, ये है क्या? आप सुनो ध्यान से, आपको ये सारे वर्ब्स पढ़ने पड़ेंगे, आना चाहिए। हमें पता है, हमें कोई नियम नहीं पढ़ाया गया था, अपने आप सही हो गया था। देखो ध्यान से, मैरी, अब मैं नियम बता देती हूँ। जो भी वर्ब वाई में खत्म होता है और उसके पहले AEIOU नहीं कॉन्सोनेंट आता है, तो उसमें हमको अगर ईडी लगाना हो ना, तो ये जो वाई होता है वो आई में टर्न कर जाता है। देखो ठीक है, जैसे कैरी, CARRY, वर्ब का सेकेंड फॉर्म कैरीड। देखो इसीलिए, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म में टर्न कर रहा। देखो, जो किंग था, राजा था, उसने दूसरी शादी कर ली, मैरिड अगेन। द स्टेप मदर, अच्छा स्टेप मदर का मतलब सब समझ में आ गया, अपनी माँ मर गई, दूसरी शादी की, तो स्टेप मदर मतलब सौतेली माँ हुई, सौतेली माँ। एनवीड, एनवीड का मतलब क्या है ये? फिर से देखो, एनवी का मतलब ईर्ष्या होता है, और ईर्ष्या करना इज वी वाई है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई आई में टर्न किया, यानी वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म। जो स्टेप मदर थी उसे ईर्ष्या होती थी, किससे? स्नो वाइट से। क्यों? एज शी वॉज द फेयरेस्ट। देखो फेयरेस्ट मतलब सबसे गोरी, और वॉज का मतलब अगेन पास्ट टेंस, क्योंकि स्नो वाइट सबसे गोरी मेडन। मेडन का मतलब क्या होता है मैम? इसका मतलब कुंवारी लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है ना। इन द होल लैंड, पूरे लैंड में वो सबसे सुंदर थी। बहुत सारे वर्ड्स का बेटा मीनिंग ऐसे ही आ जाएगा, आपको एक एक वर्ड का मीनिंग सीखने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए कहते हैं इंग्लिश को इंग्लिश में करो, इंग्लिश को इंग्लिश में करना है। और ये स्टोरी से मैं आगे कल कंटिन्यू करूंगी, ये पूरा स्टोरी कराऊंगी, और उसके बाद फिर मैं आगे इसी में आगे बढ़ूंगी, ठीक है ना। और ये स्टोरी आज मैं लोड कर दे रही हूं, आप उसको पढ़ो। और ध्यान रखो एक चीज, दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो नहीं हो सकता, कोई भी काम नहीं हो सकता। और सबसे पहले बेटा अपने आप को सुख देना बंद करो। आप लोग सब पता है क्या हो गए हो? बहुत ज्यादा सुख के अभ्यस्त हो गए हो। कल रात से मेरे राइट हैंड में बहुत जबरदस्त पेन है। मैंने कहा ठीक है, शाम के बैच, एक दो जो बैच है पुराने हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आज हमें छुट्टी दे दो। लेकिन अगर कहोगे कि जैसे मेरा बेटा, तुम्हारी तबीयत अगर खराब है तो तुम छुट्टी करो। मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? तुम तो मालिक हो, ध्यान दो। अगर कोई चीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको करना है, और ये मान के चलो द शो मस्ट गो ऑन। समझते हो ना, द शो मस्ट गो ऑन, इसका मतलब है कि कोई भी काम है वो होना चाहिए। दूसरी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हमें तो 8 घंटा सोना चाहिए। बेटा ये सारे जो विदेशी चीजें आई हैं ना आपके पास, उसको भूल जाओ। 8 घंटा सोना चाहिए, आपका बहुत पुराना एक श्लोक है उसके अकॉर्डिंग तो है कि एक छात्र में कुत्ते के बराबर नींद होनी चाहिए, मतलब तुरंत, एकदम तुरंत जाग जाना चाहिए, है ना। बहुत कम सोना चाहिए। आप 8-8 घंटा सो रहे हो यार, आप अभी जवानी में 8 घंटा सो रहे हो, मैं इस बुढ़ापे में 4 घंटे से तो नहीं सो पाती हूँ। कल मैंने बहुत सारे बच्चे जो आप में से कल मुझे मैसेज किए हैं, उनको मैंने सुबह 4:30-5 बजे जवाब दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरा क्लास ही खत्म हुआ 8:30 बजे। मेरा क्लास खत्म हुआ 8:30 बजे, और उसके बाद मुझे आज के क्लास के लिए मटेरियल वगैरह तैयार करना था। वो सब तैयार करने के बाद जब मैं सोने जाने लगी 4:30 बजे, तब मैंने उनका जवाब दिया है। और जवाब देके मैं 5 बजे सोई हूँ, 10 बजे उठी हूँ, देखती हूँ फिर से ढेर सारा मैसेज पड़ा हुआ है, उसका जवाब अभी तक नहीं दे पाई। आज फिर रात में बैठूंगी जवाब देने के लिए। बहुत सारे बच्चे होंगे, आई एम सॉरी, आप लोग का अभी तक मैंने व्हाट्सएप में मैसेजेस जो है खोल के भी नहीं देखा है। इसलिए मैं एक चीज सजेस्ट करती हूँ, आपका जो शरीर है ना वो ऐसा मशीन है, उसको अगर बिठा के आराम कराओगे तो जंग लगेगा, और काम कराओगे तो घिसेगा। अब आपकी मर्जी क्या करना है देख लो, ठीक है ना। इसीलिए सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप अपने आप को सुख देना बंद करो। और दूसरी बात एक चीज और है कि बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे उपदेश देंगे, बहुत सारे उपदेश देंगे। आपके लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ
प्रवचन देने आते हैं। मैं यहाँ पे मुखर्जी नगर में तब से हूँ बेटा, जिस समय जब मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोल रही थी तो मुझे आईएएस के जो टीचर्स हैं वो मेरे बड़े भाइयों की तरह है, क्योंकि उनके ही स्नेह में मैं आगे बढ़ी हूँ। उन लोगों ने ही अपने 20,000 50,000 100,000 उनकी फीस होती थी, लेकिन उनको महसूस होता था कि यार वो लड़की है, अपने स्ट्रगल कर रही है, तो वो सारे जितने भी कंपल्सरी इंग्लिश के बच्चे होते थे मेरे पास भेजते थे। तो मेरी कमाई ज़्यादा इसलिए होती थी क्योंकि इनके पास अलग, इनका ऑप्शनल अलग, इनका ऑप्शनल अलग, इनका ऑप्शनल अलग, यहाँ जीएस का इंस्टीट्यूट, लेकिन सारे हिंदी मीडियम के बच्चे तो मेरे पास ही आते थे। और बहुत सारे आईएएस, हमारे आईपीएस, यहाँ तक कि अभी परसों मेरी बात हुई है डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स में, ठीक है, एक एसीपी है, ये लोग भी अब रेडी है कि हाँ हम आपके चैनल के थ्रू हम आके बच्चों को मोटिवेट करना चाहेंगे। इसलिए बहुत जल्दी हम एक और सेशन शुरू करने जा रहे हैं जहाँ पे आपको कामयाब छात्रों से भी हम रूबरू कराएंगे और वो लोग आपको मोटिवेट करेंगे। इसीलिए ध्यान रखना कि मैं यहाँ पे बहुत पहले से हूँ और यहाँ के ही ऐसे टीचर्स जो यहाँ मुखर्जी नगर में नहीं चले, हम लोग तो यार पिस गए, एक के बाद एक बैच बना रहे हैं, चार बैच बन रहा है, हम पागल हो गए बैच ले लेके। लेकिन जो यहाँ नहीं चले वो ऑनलाइन में पहले आ गए और वो बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चों के दिमाग को, क्योंकि उनको पढ़ाना कम आता है, बोलना ज़्यादा आता है। इसीलिए बहुत सारे टीचर्स अभी अपने प्लेटफॉर्म से मुझे गाली दे रहे हैं, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ सबका कच्चा चिट्ठा मेरे पास है, क्योंकि जब से मैं आई हूँ उसके पहले कोई नहीं था यहाँ पे। यहाँ पे आईएएस के इंस्टीट्यूट थे लेकिन एसएससी से रिलेटेड कोई भी नहीं था। ये मैक्सिमम लोग हमारे ही प्लेटफॉर्म से निकले हुए हैं या निकाले हुए हैं। इसीलिए किसी की बात पर ध्यान मत देना। अगर मैंने 1.5 महीने के बाद पहला स्पोकन इंग्लिश और पहला कंपल्सरी इंग्लिश बैच में सीधा यही मैंने पूछा कि सिर्फ बता दो, अगर मैं ने आपको इम्प्रूव नहीं कर पाई हूं मैं, तो मैं दोषी। किसी ने, एक बच्चे ने नहीं कहा कि मैम हम इम्प्रूव नहीं हुए। देखो स्टेजेस होता है बेटा, स्टेजेस होता है। आप कहोगे मैं तुरंत फराटेदार अंग्रेजी बोलने लगूंगा, नहीं, स्टेजेस होगा। आप 15 डेज के बाद कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, 1 महीने के बाद आपको लगेगा हाँ सेंटेंसेस तो बन रहा है, 1.5 महीने के बाद कहोगे मैडम जल्दी से फटाफट प्रेपोजिशन बता दीजिए ना, आर्टिकल बता दीजिए ना, उसके चक्कर में हमसे गलती हो रही है। आपको खुद महसूस होगा गलती हो रही है, कहाँ हो रही है, क्योंकि इसके कारण गलती हो रही है। हम वो बताते चले जाएंगे, आगे बढ़ते जाओगे। इसीलिए 10 बजे भी इंग्लिश होता है बेटा, और मेरा बैच 10 बजे आता है। फ्री बैचेस चलते हैं मेरे, वीक में 3 डेज हम यूट्यूब में फ्री पढ़ाते हैं। मैंने एक ही चीज़ कहा है आपको कि इंसान को 3 के प्रति वफादार होना चाहिए, 3 के प्रति बहुत वफादार होना चाहिए, बहुत ज़्यादा। और अगर नहीं हो गए तो सही में आप पाप करोगे। पहला तो होगा अपने देश के प्रति, दूसरा अपने माँ बाप के प्रति, और तीसरा अपने धर्म के प्रति। और धर्म के प्रति का मतलब ये नहीं कहूँगी मैं अपने रिलीजन की बात कर रही हूँ, हमारा धर्म क्या कहता है, हमारा धर्म कहता है दूसरों का भला करो। इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज्ञान बांटूँ, और जिनके पास नहीं है यार डाउनलोड करो ना PDF, फ्री में डाउनलोड करो और यूट्यूब में फ्री में पढ़ो। मैं इंग्लिश, मैथ्स, GS, बहुत सारे हमारे चैनल में बहुत कुछ फ्री में पढ़ा रहे हैं। हम कई टीचर को जोड़ना चाह रहे थे फ्री में, लेकिन सब टीचर को लगता है यार हम फ्री में क्यों दें। तो कोई बात नहीं, मेरे अपने बहुत सारे टीचर्स आ गए, लॉकडाउन खुला मेरे पास, क्योंकि लॉकडाउन जब हुआ था तो हम बहुत अकेला महसूस कर रहे थे, सिर्फ मैं आ रही थी, एक आध टीचर पास में थे वो आ रहे थे पढ़ाने के लिए। लॉकडाउन खुला, बिल्कुल सारे टीचर्स आ गए हैं, KD कैंपस के सारे टीचर्स मंझे हुए कलाकार हैं, क्योंकि उनको पता है बच्चों को क्या देना और कैसे देना है। आपको मैं बहुत जल्दी ही, आप बायो पढ़ो, बायो देखोगे कितना अच्छे से वो, कितनी मिथ जो आपके दिमाग में होता है और कितनी चीज़ें होती हैं जो आपको शर्म आती है डिस्कस करने में, वो कितने शालीन तरीके से आपको बता रही है। पॉलिटी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं हमारे रोहित सर। हिस्ट्री मोस्ट प्रोबेबली कल क्लास लग जाएगा आपके हिस्ट्री का, बहुत बढ़िया उम्दा टीचर। आप बस खाली, मैंने कहा मैंने ज्ञान की गंगा बहा दी है, अब आप इसमें डुबकी लगाइए। पे कर सकते हैं पे करिए, क्योंकि बात क्या है, अगर स्पोकन की इंग्लिश की बात करोगे तो बहुत अच्छा क्वालिटी स्पोकन इंग्लिश का मिलेगा आपको आफ्टर 3 मंथ्स। अगर आप पलट के कह दोगे कि मैम आपने ठग दिया, मैं आपका फिर रिफंड कर दूंगी। मैं कह रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि जो बच्चा को हमने पढ़ा दिया वो बच्चा कभी पलट के मुझे जवाब नहीं देता, क्योंकि उनको अच्छे से पता होता है मैम ने अपनी पूरी कोशिश की है और हम बहुत इम्प्रूव किए हैं। आप महसूस करोगे, 3 क्लासेस में डिफरेंस महसूस करोगे। इसीलिए अगर आप पेड़ पढ़ सकते हो पेड़ पढ़ो, क्योंकि इससे हमारे बहुत स्टाफ का
खर्चा चलेगा, क्योंकि अभी केडी कैंपस बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, लेकिन हम अपना ज्ञान का दान जो फ्री में दे रहे हैं वो देंगे, ज़रूर देंगे। अभी ये 6 डेज तक मैं 10 विजन इसलिए नहीं आऊँगी क्योंकि ये 6 डेज आपका फ्री में यूट्यूब में चलेगा, है ना। और इसके साथ अपने घर में अपनी बहनों को भी प्रमोट करो बेटा, क्योंकि मैंने एक चीज़ मार्क किया है, लड़कियों के हो आप, लड़कियों के लिए दहेज जमा करके रखते हो, दहेज उनके काम नहीं आएगा, जो काम उनके ससुराल वालों के काम आएगा मस्ती करने में, उनके काम बस वही आएगा जो उनको यहाँ दे के भेजोगे, ठीक है। असली पूंजी यहाँ है, इसलिए कई लोग मुझे जब कहते हैं ना मैडम आपका तो दुकान बंद हो जाएगा, मेरा दुकान तब तक बंद नहीं होगा जब तक मेरी आंखें बंद नहीं हो जाएगी, क्योंकि मैं अपना दुकान यहाँ लेके चलती हूँ, ठीक है ना। उनका जो लैंग्वेज है दुकान, वही दुकान में मैं कह रही हूँ, मैं अपना दुकान यहाँ लेके चलती हूँ, ठीक है। इसलिए स्पोकन का परसों क्लास होगा, लेकिन बेटा रश बहुत है, और हमारे ऐप में हम लोग एक लिमिटेड ही बच्चों को एडमिशन ले पाते हैं, क्योंकि हमें भी अपना सर्वर का कॉस्ट लगता है और सब कुछ लगता है, इसीलिए रश बहुत है, चाहे वो 1999 वाला बैच हो या आज स्पोकन का जो बैच। जल्दी से एडमिशन ले लो, और उसके बाद अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरा नंबर आपके पास है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तब मुझे फ़ोन करना, अदरवाइज आप मेल करना, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो आप मेल करना onlineatkdcampus.org को, और अगर कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो मुझे आप मैसेज करना, ठीक है ना। और सेकेंडली 1999 का बैच का फी इन लोग इंक्रीज करने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो मेरे से एक्सपेक्टेशन था कि हाँ हम और शॉर्ट कर देंगे, वो शॉर्ट मुझसे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए उनका है कि फिर आपका वो फीस इंक्रीज करना पड़ेगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो इंक्रीज़ करेंगे, और ये लोग जब इंक्रीज़ करते हैं तो 500 सीधा इंक्रीज़ करते हैं। इसीलिए केडी कैंपस में तो अपने घर की खेती है, जो मर्जी वो करती हूँ मैं, है ना, लेकिन केडी लाइव में एक बहुत मेजर पोर्शन जो है वो टेक्निकल टीम के हाथ में है, जो हमारे हाथ में नहीं है, और वो कंप्लीट एक दूसरे कंपनी के हाथ में है, इसलिए यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चला सकती, ठीक है। अब किसी तरह का कोई और क्वेरी हो तो आप मेल कर दो, और नहीं तो फिर आप मुझे मैसेज कर देना, मैं रात को जब फ्री होंगी तभी आपको कॉल कर पाऊंगी, सॉरी मैसेज का जवाब दे पाऊंगी, ठीक है। परसों इसी समय 3:30 बजे स्पोकन के लिए मिलिए यहाँ पे, और कल यहीं पर हमारे ग्रामर और वोकैबुलरी वगैरह के क्लास के लिए, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे कल मिलेंगे, स्पोकन वाले बच्चे परसों मिलेंगे। PDF डाउनलोड करके ये स्टोरी पढ़ लो, बहुत मज़ेदार स्टोरी है, उसके बाद परसों इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।